The knowledge of uh, all kinds of those leaves and how to get them, and what is the parameter that is to be followed by the applicant. And this is about myself. Everyone is already having uh, the information about myself, so we are going to skip the slide. ये आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है डियर पार्टिसिपेंट्स जरा एक दफ़ा ओके कर दें भी विजिबल हैं आ रही बहुत शुक्रिया सर जी जी क्लियर सर बहुत शुक्रिया ऑनरेबल कोलीग्स बहुत सर क्लियर आ रही है जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू मच माइक अपने काइंडली आप ऑफ कर लीजिए ताकि हम काम की बातें करें देखें लास्ट लेक्चर में मैंने गुजारिश की थी अपने ऑनरेबल कोलीग से दोस्तों से कि कोई भी जो सर्वस मैटर होता है उसके पीछे कोई ना कोई मदर लॉ होता है कोई पेरेंट लॉ होता है तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट रिवाइज लीव रूल्स 1981 नाएंटी उसके पीछे भी मदर लॉ है और जाहिर है हमारे सिविल सर्विस मैटर्स के पीछे पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 है P.C.S. एक्ट 1974 जिसे कहते हैं अब मैं थोड़ा सा आपको काइंडली आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो एक्ट है 1974 और उसके तहत बने हुए जो रूल्स हैं 1974 उनके अंदर है क्या ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए फिर हम रिवाइज लीव रूल्स की तरफ चलेंगे देखें ये जो हमारा पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 है इसका सेक्शन चार हमें अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताता है इसका सेक्शन पाँच हमें प्रोबेशन के बारे में बताता है ये मैंने अर्ज़ किया था लास्ट टाइम भी कि अगर कोई प्रोमोट होके अगले ग्रेड में जाता है तो एक साल के लिए आजमाईशी पीरियड में रहता है आजमाइशी पीरियड का मतलब है कि अगर आपका आपका वर्क कॉन्डक्ट और पफॉमेंस ठीक रहती है तो फिर एक साल के बाद इफ़ द पीरियड इज़ नॉट एक्सटेंडेड तो आपको कन्फर्म कर दिया जाता है अदरवाइज पिछले ग्रेड में भेजा जा सकता है इसी तरह कोई अगर फर्स्ट अपॉइटमेंट होती है तो उसे दो साल के लिए आजमाइशी पीरियड पर रखा जाता है और उसके बाद अगर वो पीरीड एक्सटेंड ना हो और वर्क परफॉर्मेंस और कॉन्डक्ट एक सिविल सर्वेंट का ओके okay हो तो वो भी कन्फर्म हो जाता है तो ये सेक्शन सिक्स इसके बाद आता है जो कन्फर्मेशन है फिर सेक्शन सेवन में ये भी मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ चूँकि जब मैं रूल्स की बात करूँगा तो उसमें सेक्शन आठ है सीनीरिटी का तो सीनी सेक्शन सेवन में है प्रोमोशन सेक्शन एट में है इनके बारे में आपने चीज़ें पढ़ी हैं ये प्रमोशन पॉलिसी के बारे में आपने पढ़ा होगा पोस्टिंग ट्रांसफ़र इसका सेक्शन नाइन है टर्मिनेशन ऑफ सर्विस सेक्शन टेन है रिवर्जन टू अ लोअर पोस्ट पिछली पोस्ट पर भेज देना सेक्शन ग्यारह है रिटायरमेंट फ्राम सर्विस सेक्शन बारह है एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट सेक्शन तेरह है कॉन्डक्ट सेक्शन चौदह है जो हमने कॉन्डक्ट रूल्स भी पढ़े थे इफिशेंसी एंड डिसिप्लिन ये जो पीडा हमने पढ़ा था ये इसका सेक्शन पंद्रह है आपको पता है पे के हवाले से जितने मामला होते हैं सेक्ट का सेक्शन सोलह इसको गवर्न करता है और आज हमने जो पढ़ना है वो पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 का सेक्शन 17 है जी लीव के बारे में ज़ाहिर है वहाँ पर डिटेल नहीं है तो फिर उसके अंडर मैंने आपको बताया था ना एक्ट्स के अंदर लीगल गैप्स रह जाते हैं जिनको फिल अप करने के लिए उनका पर्पस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमें रेगुलेशंस और रूल्स की ज़रूरत होती है फिर पेंशन और ग्रेजुटी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पेंशन और ग्रेचुटी का सेक्शन 18 है ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ अब जनरल प्रोविडेंट फंड जिसे जी फंड कहते हैं सेक्शन 19 है बेनावलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस सेक्शन 20 है राइट ऑफ अपील और रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 21 है और इसी एक्ट का सेक्शन 23 जो है वो ये कहता है कि द गवर्नर और एनी पर्सन ऑथोराइज इन दिस बिहाफ मे मेक सच रूल्स एज अपीयर टू हिम टू बी नेसेसरी और नेसेसरी कंपलसरी सूटेबल फॉर कैरिंग आउट दर्पजेज ऑफ दिस एक्ट यानी देखें ये वो बात है ये वो सेक्शन है जो इशारा कर रहा है उन लीगल गैप्स की तरफ जिनको फिलअप करने के लिए हमें रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत होती है अब ये जो गैप्स हैं सेक्शन तेईस के तहत फिल किए गए और फिर आया जनाब आपका पंजाब सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट्स एंड कंडीशन रूल नाइनटीन सेवनटी फोर उसके अंदर भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ क्या क्या है अपॉइंटमेंट्स हैं पोस्ट में सिलेक्शन बोर्ड हैं कौन से सिलेक्शन बोर्ड होंगे प्रमोशन बोर्ड होंगे फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो अंडर सेक्शन सिक्स पीडा में मैंने आपको बताया था कि अंडर सेक्शन सिक्स अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है और पीडा के सेक्शन दो एफ टू के तहत जो है ना वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है प्रोबेशन का यहाँ सेक्शन सात रूल सात है और लियन लियन ये आपका इस्तक होता है जब आप थ्रू प्रॉपर चैनल आगे जाते हैं तो यकीनी तौर पर तीन साल के लिए आपका लियन रह जाता है जिसका मतलब ये है कि जब आप अगली पोस्ट पे जाते हैं तो ये आपकी मर्जी होती है कि वहाँ दिल लग जाए तो रह जाएँ ना लगे तो तीन साल के अंदर अंदर आप वापस आ सकते हैं और ये लियन एक ऐसा इस्तक होता है कि आप ख़ुद भी अप्लाई करें तो ये ख़त्म नहीं होता अंटल के इसकी कंडीशन फ़ुलफिल हों यानी या तो आगे आप रेगुलर हो जाएँ ये आपके तीन साल पूरे हो जाएं तब तक आपका पीछे कनेक्शन जारी रहता है सीनियोरिटी जैसे मैंने बताया था वहाँ सेक्शन सात था एक्ट के अंदर और रूल्स के अंदर ये सीनियोरिटी का रूल नंबर आठ है फिर अपॉइंटमेंट्स बाय प्रमोशन या ट्रांसफर फिर अपॉइंटमेंट ऑन एक्टिंग चार्ज बेसिस अपॉइंटमेंट ऑन करंट चार्ज बेसिस अपॉइंटमेंट बाई ट्रांसफर क्वालिफिकेशन अदर कंडीशन अपॉइंटमेंट बाई प्रशन ऑनिशियटिंग बेसिस डेपूटेशन ठीक है ना जी ये भी आपको पता है तीन साल के लिए होता है और बड़ी ज़रूरत पर है गवर्नमेंट की मर्ज़ी हो तो दो साल मजीद बढ़ा सकती है पाँच साल का डेपोटेशन होता है इनिशियल अपॉइंटमेंट आपके रूल सोलह बताता है कि ग्रेड सोलह और उससे ऊपर की पोस्टें या फिर ग्रेड ग्यारह से पंद्रह तक जो गवर्नमेंट चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी फिर इनिशियल रिक्रूटमेंट है सत्रह के तहत फिर वो सत्रह ए वाला रूल है जो आपको अपॉइंटमेंट पॉलिसी में बताया था वो इन वैलिडेशन वाला इन सर्वर डेथ वाला फिर पोजेशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए अपॉइंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान डोमिसाइल ऑफ द प्रोविंस, गुड मेंटल हेल्थ यानी इसलिए मेडिकल कराते हैं ठीक है जी फिर करेक्टर सर्टिफिकेट प्रिंसिपल एकेडमिक ऑफिसर से या ये शामिल नहीं है लीव रूल्स में लेकिन सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमारी सारी सर्विस हमारी छुट्टियाँ और ये सारे मामल एक्ट नाइनटीन और उसके तहत बनने वाले रूल्स नाइनटीन गवर्न करते हैं चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी आपको पता है ये भी सर्विस रूल का ऐसा है और आपको पता है कि ये भी एक दफ़ा रिकॉर्ड हो जाए तो दो साल के अंदर अंदर ये फिर करेक्शन हो सकती है उसके बाद नहीं हो सकती चेंज ऑफ नेम ये रीजनल ऑफिस वाले डायरेक्टोरेट भी कर सकता है और ऊपर वाले भी एडहॉक अपॉइंटमेंट फिर सेक्शन तेईस में बताया गया है कि किसी भी रूल को अगर रिलैक्स करना होगा तो वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास पावर्स मौजूद है ठीक है जी अब आ जाए हम लीव रूल्स की तरफ जो कि हमने पढ़ा कि लीव रूल्स जो है सेक्शन सत्रह के तहत जो है वो आते हैं और रिवाइज लीव रूल्स इसका नाम क्यों है चूँकि इससे पहले जो लीव रूल्स चलते थे ऑनरेबल कॉलेग देवर लीव रूल्स 1955 1955 के रूल्स थे जो पहले चलते थे उनको रिवाइज़ किया गया तो फिर उनका नाम रिवाइज लीव रूल्स 1981 इसलिए इसको रिवाइज का लफ़ इसके साथ इस्तेमाल किया गया है ठीक है फिनांस डिपार्टमेंट का ये नोटिफिकेशन है आप के सामने है

तो मैंने आपको बता दिया कि लफ्स रिवाइज क्यों हैं चूँकि पहले 1955 के रूल्स थे उनको फिर रिवाइज़ किया गया उनको इम्प्रूव किया गया उसमें बेहतरी लाई गई जैसे आपको पता है अमेंडमेंट्स चलती रहती हैं आपको मैंने पीडा के हवाले से बताया था कि ई एन डीज पहले तीन थी साठ की पचहत्तर की नाइनटीन नाइनटी नाइन की फिर पी आर एस ओ आया दो हज़ार फिर पीडा एक दो हज़ार छः इसी तरह रिवाइज लीव शुक्र है कि बची हुई है सिर्फ अभी इसके अंदर एक ही इम्प्रूवमेंट आई पचपन के बाद बाद में छोटे छोटे नोटिफिकेशन आते रहते हैं फिनांस डिपार्टमेंट और रेगुलेशनस की तरफ से तो ये भी स्लाइड रीडिंग्स बहुत कम होगी ऑनरेबल कॉलेगस कॉन्सेप्ट आपने समझने क्योंकि ये लिटरेचर सारा वहाँ पे पड़ा हुआ है गूगल पे भी पड़ा हुआ है एस्टा कोड में भी मौजूद है दिस इज़ जस्ट वन क्लिक अवे फ्रॉम ऑनरेबल कॉलीग्स यू कैन क्लिक द बटन एंड यू कैन हैव दीज रूल एंड यू कैन स्टडी दैम एंड रीड दैम लेकिन हम बात करेंगे कंसेपच्चुअल चीज़ों की टेक्निकल चीज़ों की ताकि हमें समझ आ जाए कि इसमें असल इशू क्या है मसाइल के हैं जो हमें पेश आते हैं अब सबसे पहले हम जिस रूल का जिक्र करेंगे ऑनरेबल कॉलीग्स ये आप समझ लें एक सिविल सर्वेंट का बटवा होता है और आपको पता है बटवे के अंदर पैसे कमाएँ तो आते हैं ऑटोमेटिकली नहीं आते अल्लाह की मर्ज़ी हो तो अल्लाह तला तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन लफ्स अर्न का मतलब आपको पता है he, he वो अपनी रोजी रोटी कमाता है तो लफ्स जो है, इसका मतलब होता है, कमाना, कमाई करना अब देखे ना जैसे आपको तनख्वाह मिलती है तो आप कोई काम करते हैं तो तनख्वाह मिलती है इसी तरह सर्वस रेंडर्ड जितनी सर्वस आप करेंगे उस हिसाब से लीव अर्न करेंगे क्या मतलब अपने इस छुट्टियों के बटवे को जो कि आपके आखिरी एल पी आर तक लीव इन कैशमेंट तक ये बटवा चलता रहता है इसमें आप जितनी मर्जी अण लीव भरते जाएं और फिर आपने इसको इस्तेमाल भी करना है क्योंकि एंड पे जाके आखिरी साल में सिर्फ तीन सौ पैंसठ दिनों के पैसे मिलने हैं बाकी जितनी ज़्यादा छुट्टियां आपने कमाई होंगी अपने खून पसीने की मेहनत और परफॉर्मेंस और नौकरी करके उनका कोई फायदा नहीं होगा इसलिए सर्वस के दौरान अगर जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप छुट्टी अवेल कर सकते हैं क्योंकि किसी छुट्टी पे कोई पाबंदी नहीं है अथॉरिटी आपको देगी सिर्फ एक छुट्टी ऐसी है जिसको रोका जा सकता है जो आपको नहीं दी जा सकती वो है आपकी कैजुअल लीव याद रखें कैजुअल लीव ऐसी है कि वो एक ग्रेस के तौर पे दी जाती है दैट इज नॉट द राइट ऑफ द सर्वेंट तो बाकी जो लीव्स हैं इन में अगर मेडिकल लीव की बात करें तो अथॉरिटी दोबारा मेडिकल करवा सकती है लेकिन लीव को रोक नहीं सकती अब समझना ये है कि ये जो अर्न लीव है ये ही मुख्तलिफ तरीकों से इंसानों को सिविल सर्वेंट्स को मिलती रहती है उसकी वजह ये है कि कुछ छुट्टियाँ ऐसी होती हैं आप याद रखें कि हमारा जो सर्विस रेकर्ड होता है ख़ास तौर तो पर छुट्टियों का वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स या वो एजी ऑफिस के अंदर मेंटेन किया जाता है ग्रेड सोलह से लेकर बाईस या फिर आपके जो हैं वहां पे एजी ऑफिस में लेकिन जो ऑफिशल्स होते हैं उनके रैकेट जो हैं वो कॉलेजेस के अंदर ही होते हैं वहां से ही उनको छुट्टियां मिलती हैं वहां से उनका सारे मामला चलते हैं तो बात चल रही थी लीव अर्नड ये अर्न लीव मैंने आपको बता दिया ये वो छुट्टी है जो कमाई जाती है और ये ऐसी कमाई है जब आपके बटवे में आती है तो पूरी सर्विस इस बटवे से आपने छुट्टी निकाल निकाल के इस्तेमाल करनी है ठीक हो गया कुछ स्पेशल लीव्स वो मिल जाती हैं अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अर्न लीव मिलनी है ये तब मिलनी है जब आप सर्विस करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि ईओ जो एक्स्ट्रा लीव है जो विदाउट पे होती है तो उसमें तो फिर आप छुट्टियां अर्न नहीं कर सकते ये आप जेन में रखें कोई भी छुट्टी होगी उसमें अर्न लीव आप अर्न नहीं कर सकते और खास तौर पे ई क्योंकि वो एक ऐसी छुट्टी है उसमें ना तो आपको इंक्रीमेंट लगती है ना आपकी आपको तनख्वाह मिलती है वो किसी सूरत में भी और अगर बियॉन्ड फाइव ईयर चले जाए तो वो तो आपको सीनियर लिस्ट से भी निकलवा देती है चलते हैं फिर अर्न लीव की तरफ जरा समझ लें अब अर्न लीव जो है कोई भी छुट्टी आप कर रहे हैं उसके दौरानिए में अर्न लीव आपको नहीं मिलेगी अब ये लीव हम अर्न करते कैसे हैं देखें आ, दो तरह के डिपार्टमेंट्स हैं आ, जो कि इन छुट्टियों को अर्न करते हैं एक होता है वोकेशनल डिपार्टमेंट एक होता है नॉन वोकेशनल जैसे वोकेशन लफ से वी ए सी ए टी यू एन वोकेशन का मतलब होता है ना छुट्टी तो वोकेशन डिपार्टमेंट का मतलब है ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें छुट्टियां होती हैं जैसे हमारे कॉलेजेस में समर uh, वेकेशन होती हैं विंटर वेकेशन होती हैं लेकिन इसके साथ मैं एक लफ्ज़ ये भी ज़रूर कहूँगा आगे चल के मैं डिस्कस भी करूँगा कि आजकल तो हमारे जो ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं वहाँ तो कोई छुट्टियाँ नहीं होती गर्मियों की छुट्टियों में भी हमारे ऑनरेबल कोलीग्स पढ़ा रहे होते हैं तो फिर उनका कन्वेंस क्यों कटता है इसका हल भी मैं आपको बताऊँगा और वो आपको मिल कैसे सकता है इसका हल भी मैं आपको बताऊँगा ठीक है जी अच्छा जी अब अर्न लीव मैंने बताया दो हैं एक ऐसा महकमा है जिसके मुलाजमीन को गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियां मिलती हैं और दूसरे ऐसे महकमे हैं जिनको गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियां नहीं मिलती अब जिनको छुट्टियां मिलती हैं जैसे हम लोग हैं कॉलेज सेक्टर वाले स्कूल सेक्टर वाले तो हम छुट्टी एक एक महीना अगर काम करते हैं ना तो एक महीने के बदले हमारी जो लीव की कमाई है वो वन अर्न लीव है ठीक हो गया यानी मैंने बताया ना ये अर्ण ये कमानी पड़नी है आप मुलाजमत करेंगे सर्विस करेंगे तो उसके बदले में आपको ये छुट्टी मिलेगी तो इसका मतलब अर्ण लीव से अपना बटवा भरने के लिए एक महीना अगर मुसलसल काम करते हैं तो एक छुट्टी दूसरा महीना दो छुट्टियां तीसरा महीना तीन छुट्टियां बारह माह जब आप छुट्टियां नहीं करते और बारह महीने एक साल पूरा सर्विस करते हैं तो आपको बारह छुट्टियां आपके बटवे में जमा हो जाती हैं कौन सा बटवा वो जो बटवा आपका पड़ा हुआ उधर अकाउंटेंट जनरल के पास और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स के पास आपका बटवा पड़ा हुआ है उसमें वो छुट्टियाँ एटीएम में चली जाती हैं और आप जब मर्जी लीव अकाउंट वहां से लेके एटीएम कार्ड मारते हैं और छुट्टियां ले लेते हैं तो दूसरा है नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट्स अब ये किसके तहत ये सिविल सर्विस रूल्स वॉल्यूम वन पार्ट टू के तहत ये वोकेशनल uh, डिपार्टमेंट और नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट वहाँ इसको डिफ़ाइन किया गया है तो नॉन वोकेशनल uh, मेरे इंतई मोहतरम दोस्तों वो होते हैं जिनमें छुट्टियाँ नहीं होती ना गर्मियों की ना सर तो फिर उनको हमें तो छुट्टियाँ मिलती हैं और हम छुट्टियाँ कमाते भी हैं अब उनको छुट्टियां नहीं मिलती तो क्या वो हमारी जितनी छुट्टियां कमाते हैं या ज़्यादा कमाते हैं तो ऑनरेबल कोलीग मैं बताऊँ वो हमसे ज़्यादा छुट्टियां कमाते हैं हमें एक महीना काम करने की हम एक छुट्टी कमाते हैं जिसे अन लीव कहते हैं लेकिन नॉन वोकेशनल वाले जो हैं वो एक महीने की उनको चार छुट्टियां जो हैं वो दी जाती हैं जो उनके खाते में उनके बटवे में जमा हो जाती हैं और फोर्टी यानी हमें वोकेशन डिपार्टमेंट वालों को 12 साल की मिलती हैं और उनको नॉन वोकेशन वालों को 48 मिलती हैं ठीक हो गया तो ये आपको पता चल गया कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरह से छुट्टी जो है वो अर्न करता है तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरह से मामला छुट्टी का चलता है इसी तरह अगर बाहर आप सिविल सर्वेंट कोई भी फॉरेन सर्विस में चला गया है तो वहाँ वो काम करके आए तो जितना पीरियड वहाँ पे वो स्पेंड करता है उसकी भी छुट्टियाँ ऐसे ही अर्न करता है जैसे मैंने आपको बताया तो छुट्टियाँ कमाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है अच्छा अब बाद ये ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि अड़तालीस छुट्टियाँ नॉन वोकेशनल वालों को मिलती हैं ठीक है जी लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर एक महीने के अंदर अगर आप पंद्रह से कम काम करते हैं और बाकी आप छुट्टियां ले लेते हैं अपनी अर्न लीव में से जो ऑलरेडी आपकी पड़ी हुई है तो क्या फिर भी पूरे महीने की एक छुट्टी मिलेगी तो फिर नहीं मिलेगी अगर पंद्रह दिन से कम आपका सर्विस होगा एक महीने के अंदर या पंद्रह दिन पूरे होंगे तो फिर आपको एक छुट्टी नहीं मिलेगी इसको इग्नोर कर दिया जाता है अगर पंद्रह दिन से ज्यादा यानी एक महीने में आपने 16 दिन तो काम किया बाकी दिन आपने छुट्टियां ले ली तो वो छुट्टियां भी आप और अवेल कर सकते हैं और 16 दिन के बिहाब पे आपको एक पूरे महीने की एक अर्न लीव जो है वो भी आपके एटीएम में अकाउंट में जमा हो जाएगी ठीक हो गया जी अच्छा अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मिसाल के तौर पर आपने एक जो आ, दो महीने के अंदर अगर आपकी छुट्टियां इस तरह से बटी हुई हैं कि ड्यूटी जो है वो आपने दोनों महीनों के अंदर पंद्रह दिन से ज़्यादा की है यानी एक महीने में फ़र्ज़ करें पिछला महीना या अभी जो महीना चल रहा है सेप्टेंबर और बाद में फिर अक्टूबर सेप्टेंबर के अंदर भी आप पंद्रह या उससे ज़्यादा जो है वो दिन काम करते हैं और उसे अगले महीने भी इतना ही करते हैं तो फिर ये दोनों को मिला के एक महीना बना लिया जाता है और इसकी भी आपको एक छुट्टी मिलती है ये आप जहन में रखें तो ये बटवा इस तरह से भरता चला जाता है अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिविल सर्वेंट्स इन वकेशन डिपार्टमेंट जो है ना वो एक दिन उनको मिलता है ये मैंने आपको बता दिया है स्लाइड्स अब आ रही हैं लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वेकेशन और नॉन वकेशन डिपार्टमेंट्स का जिक्र किस रूल के अंदर है जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ जो सर्विस मैटर में जिसका जिक्र किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई मदर लॉ सिस्टर लॉ ब्रदर लॉ कोई ना कोई नोटिफिकेशन जो है ना वो लाजमी होता है तो अंडर द सिविल सर्विस रूल्स पंजाब पार्ट वन वॉल्यूम टू अपेंडिक्स एटीन वो जो उसके पीछे लगे हुए जैसे शेड्यूल्स होते हैं वोकेशन डिपार्टमेंट्स आर दी वंस दैट एक्सटेंड समर एंड विंटर वेकेशन टू देयर एम्प्लॉज लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट तो ये जो वोकेशन डिपार्टमेंट का जिक्र है अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पे है तो वो सिविल सर्विस रूल्स पंजाब पार्ट वन इसके दो वॉल्यूम्स हैं वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू मौका मिले एडमिनिस्ट्रेशन में आना हो तो कभी इसको भी आप पढ़ लीजिएगा तो इसके तहत वोकेशन डिपार्टमेंट जो है ना वो होते हैं अब सवाल ये पैदा होता है आप कहते हैं कि जी हमारी ड्यूटियां लग जाती हैं ठीक है कॉलेज के अंदर ड्यूटियां लग जाती हैं प्रिंसिपल साहब हमें बुलाते हैं पूरे तीन महीने हम दाखले कर रहे होते हैं दफ्तर का काम देख रहे होते हैं हम स्टेट ऑफिसर होते हैं हम डेंगी का काम कर रहे होते हैं लेकिन हमारा कन्वेंस कट कर जाता है तो ये क्या तरीका है देखें इसके लिए मैं आप आपों आप ये नोटिफिकेशन मेरे पास मौजूद भी है जिस दोस्त को चाहिए होगा मैं उसे शेयर भी कर सकता हूं अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने वाइड पेरोल सत्रह ह्यूमन मैनेजमेंट वन नाइन एट डेटेड उन्नीस दो दो हजार चौदह को एक लेटर निकाला हुआ है कि हमें अब डिफरेंट कॉलेजेस के प्रिंसिपल जो हैं वो बाद में लेटर लिखते हैं कि जनाब हमारे इस बंदे ने स्टेट ऑफिसर की ड्यूटी की डिप्टी स्टेट ऑफिसर की ड्यूटी की टाइम टेबल इंचार्ज की ड्यूटी की ट्रांसपोर्ट इंचार्ज की ड्यूटी की ऑफिस इंचार्ज की ड्यूटी की हॉर्टिकल्चर की ड्यूटी की को इंचार्ज ऑफिस की deputy, की डिप्टी प्रॉक्टर की ड्यूटी की तो जनाब इनको आप ना इनका कन्वेंस ना काटें एजी ऑफिस कहता है हमें इनका जो है ना वो कन्वेंस काटने से कोई मसला नहीं है ठीक है हम वो नहीं काटेंगे लेकिन उसके लिए आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा वो तरीका क्या है वो आगे उन्होंने ये बताया है कि इट इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट सच ऑर्डर मस्ट रीच टू दिस ऑफिस बिफोर द स्टार्ट ऑफ समर वे फॉर इन कारपोरेशन इन ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम एच सिस्टम के in system, system अंदर यानी अगर आप ये ड्यूटीज करते हैं आपका कन्वेंस नहीं कटेगा उसके लिए तरीकाकार एजी ऑफिस ने दिया हुआ है जिसके ऊपर अमल करना पड़ेगा अब वो तरीका क्या है कि छुट्टियां स्टार्ट होती हैं फर्ज करें 6 जून से ठीक है तो मे के यकम मे को आपके प्रिंसिपल साहब वो लेटर लिख के जिस जिस बंदे ने ड्यूटी देनी होगी अब मिसाल के तौर पे बीएस की क्लासेस हैं तो उन्होंने बीएस पढ़ाना है उनको तो छुट्टियां नहीं होती तो अब आपके प्रिंसिपल का ये काम है कि वो मई के स्टार्ट में एक लेटर लिखेगा अकाउंटेंट जनरल पंजाब को और उसमें उनको कहेगा कि जनाब हमारे ये ये लोग कॉलेज की इन एक्टिविटीज के अंदर बिजी होंगे तो हम आपको 1 महीना आपके इस नोटिफिकेशन के तहत पहले ही भेज रहे हैं लिहाजा आप जनाब इनकी कन्वेंस को मत काटें तो ये जी कहता हमें कोई इतराज नहीं फिर हम काट लेते हैं लेकिन इसका यह ख्याल रखें कि इसमें फिर ड्रॉल ऑफ रॉन्ग कन्वेंस अलाउंस कोई ना ले कि बंदे ने ड्यूटी ना की हो और प्रिंसिपल साहब वो लिख के भेज दें तो ये गवर्नमेंट को नुकसान है और लीव इन कैशमेंट बेनिफिट भी फिर उनको उस हिसाब से मिलेंगे जिस हिसाब से फिर देखें अगर वो छुट्टियां नहीं करेंगे तो जाहिर है जैसे अगर वो छुट्टियां करें तो एक महीने की एक छुट्टी बनती है तो अगर आप छुट्टियां नहीं करते पूरा साल तो आप सोचें आपकी तो 48 छुट्टियां बन गई तो आपकी अर्न लीव कितनी ज्यादा जमा हो गई ये कब होगा जब आपके प्रिंसिपल साहिबान एजी ऑफिस को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स वालों को एक महीना पहले एजी ऑफिस के इस लेटर के तहत खत लिखेंगे मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके वो बहुत सारी जो क्यूरीज जेन में थी कि ड्यूटीयां करते हैं पैसे नहीं मिलते कन्वेंस भी कट जाता है उसका जवाब मैंने दे दिया अब आगे चलते हैं लीव एल एफ पी ये याद रखें शॉर्ट फॉर्म है एल एफ पी इसका मतलब है पूरी तनख्वाह के साथ छुट्टी लीव ऑन फुल पे आपको विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट दिए 120 दिन की छुट्टी मिल सकती है मेडिकल सर्टिफिकेट दें तो 180 दिन की छुट्टी मिल सकती है ये मेडिकल की बात हो रही है और मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम तीन दिन पूरी सर्विस में भी आपको ये छुट्टी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर मिल सकती है लेकिन ये जहन में रखें इसके लिए आपके पास अगर वो मेडिकल वो नहीं है जो इन वैलिड होता है अनफिट होने वाला होता है तो फिर जाहिर है इन सब का ताल्लुक भी आपके वही बटवे के साथ है अर्न ली वाले बटवे के साथ आप जिस छुट्टी का जिक्र हम करने लगे हैं बड़ी मशहूर वरूफ छुट्टी है और इसके बारे में मोस्टली दोस्तों को पता नहीं है वो कर बैठते हैं और डेंट क्या पड़ता है अगर चार से पांच साल उन्होंने ई कर ली और पांच साल से ज्यादा ई हो गई नंबर वन तो वो सीनियोरिटी से बाहर जब वो आएंगे पाँच साल नौकरी से निकाल के उनकी सीनियोरिटी फ़िक्स की जाएगी उसके बाद उनकी प्रमोशन और कोई भी जूनियर प्रमोट हो गया होगा तो उनको सीनियोरिटी नहीं मिलेगी एक तो इसका ये नुकसान है ये छुट्टी ऐसी है किसी भी मकसद के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी मिल सकती है और ये परमानेंट वालों को भी मिल सकती है इसके ऊपर कोई शर्त नहीं है कि ई सिर्फ उसको मिलेगी जो बंदा रेगुलर होगा ये रेगुलर लोगों को भी मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट वाले लोगों को भी मिलेगी और आपने ये जहन में रखना है कि ये मैक्सिमम छुट्टी अगर इसमें दो कैटेगरीज हैं अगर आपके दस साल सर्विस की है तो आपको एट अ टाइम पाँच साल की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव मिल सकती है ये गैर मामूली छुट्टी इसका नाम ही इसलिए है कि ये सबसे हट के है ये बाकी ये ऐसी छुट्टी है इसके साथ किसी छुट्टी को आप कंबाइन नहीं कर सकते ये येहदा आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि ये वो वाहि छुट्टी है जिसमें ना तनख्वाह मिलती है ना इंक्रीमेंट लगती है ना किसी किस्म का कोई बेनिफिट मिलता है इसलिए किसी के साथ कंबाइन नहीं होती चूंकि वक्री है एक्स्ट्राऑर्डनरी है अच्छा अब 10 साल आपने तवातर से छुट्टी की तो आपको पांच साल की ईओएल मिल सकती है अब अगर 10 साल से एक दिन भी कम होगा तो आपको पांच साल की ईओएल नहीं मिलेगी बल्कि आपको मिलेगी फिर मैक्सिमम पीरियड ऑफ टू ईर्स यानी समझ लें ईओएल किसी भी सरकारी मुलाजम को मिल सकती है वो रेगुलर है या वो कॉन्ट्रैक्ट वाला है एक बात दूसरी बात अगर 10 साल तवात्तर से सर्विस की है तो पांच साल ई मिलेगी 10 साल से एक दिन भी कम होगा या एक दिन से एक दिन भी ज्यादा होगा तो दो साल की छुट्टी मिलेगी अब थोड़ा आगे चलें कि क्या ये छुट्टी जो है वो इतनी ही मिलेगी कि इससे ज्यादा भी हो सकती है लेकिन इसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने यह स्पेशल पावर्स दे दी हुई हैं फाइनानस डिपार्टमेंट को कि अगर किसी बंदे की जो कॉन्ट्रैक्ट वाला है या वो सिविल सर्वेंट है उसे हायर स्टडीज के लिए हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर या कोई ऐसा मसला या वजूहत जो उस सिविल सर्वेंट के कंट्रोल से बाहर है तो डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसकी रिकमेंडेशन पे फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको जो पांच साल है उसमें तीन साल का इजाफा कर देगा और जो दो साल की छुट्टी है उसमें भी तीन साल का इजाफा कर देगा यानी यानी अगर 10 साल तसल से सर्वस है तो एफ डी तक जाए तो 8 साल मिल सकते हैं डिपार्टमेंट तक रहे तो 5 साल की छुट्टी अगर 10 साल से एक दिन भी कम है या एक दिन से एक दिन भी ऊपर है तो फिर पहले आपको दो साल की छुट्टी मिलेगी और फिर अगर आपको स्टडीज के लिए हेल्थ इश्यूज के लिए कोई भी और वजह जो आपके कंट्रोल से बाहर है तो वो फिनांस डिपार्टमेंट आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन पे तीन साल और की यानी क्या मतलब आपको ईओ एल आठ साल दस साल की सर्विस पे और दस साल से कम सर्विस पे आपको पांच साल की ईओ एल मिल सकती है अब अगला सवाल अगला सवाल ये है कि क्या ये छुट्टी पूरी सर्विस में आठ साल या पांच साल एक ही दफा मिलेगी नहीं हर दस साल पे मैक्सिमम आठ साल ईओ एल है हर दस साल से कम सर्विस पे मैक्सिमम पांच साल ईओ एल है तो ये एक दफा नहीं है जितने दस साल के टर्म होते जाएंगे उतनी आपको ये छुट्टियां आठ साल और पांच साल उसी हवाले से आपको मिलती रहेंगी लेकिन फ़िनांस डिपार्टमेंट के तीन साल देने के बाद दस साल की सर्विस पे या उससे कम पे इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं मिलनी हां चीफ मिनिस्टर साहब के पास अंडर सेक्शन 23 ऑफ सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 और और 1974 के तहत ये टर्म एंड कंडीशन रिलैक्स कर सकते हैं आगे चलते हैं और ये कि ये छुट्टी पे के बगैर होती है ठीक है और मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया कि कितनी टर्म्स के लिए होती है डिस्क्रिप्शन ऑफ अथॉरिटी है ये सारी चीजें मैंने बता दी है इसलिए मैं आगे जा रहा हूं अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसका नुकसान क्या होता है ई ओ एल का नुकसान क्या है अब मैंने आपको बता तो दी ना कि रेगुलर मुलाजम भी कॉन्ट्रैक्ट वाला भी ले सकता है दस साल हो तो मैक्सिमम आठ साल तक पाँच साल मैक महकमा देगा तीन साल फ़िनांस डिपार्टमेंट दस साल से कम हो तो दो साल आपको महकमा देगा तीन साल फायानांस डिपार्टमेंट उसके बाद पाबंदी लेकिन सी एम साहब सेक्शन तेईस के तहत आपको फिर भी मजीद ये कर सकते हैं अब आए इसका नुकसान क्या है नंबर वन इसमें ना तो कोई पे मिलती है EOL में एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव में गैर मामूली छुट्टी में देखे ना अर्न लीव के बिल्कुल उलट है लीव में आप नौकरी भी कर रहे हैं छुट्टियां भी बटवे में जमा हो रही हैं जब चाहे अवेल भी कर है ईओ एल के नुकसान बड़े हैं पे कोई नहीं मिलती अलाउंस कोई नहीं मिलते ईओ के दौरान आपको एनुअल इंक्रीमेंट कोई नहीं मिलती ये फाइनेंशियल रूल सेक्शन 26 के तहत है फिर जो ईओ का पीरियड है इसकी आपको पेंशन भी नहीं मिलती अब जरा सोचें एंड पे जाके क्वालिफाइंग सर्विस अगर आपकी ना बनी 25 साल या सुपर एनुएशन पे भी ना बनी इसकी वजह से तो मुझे बताएं फिर आपकी पेंशन को कितना बड़ा डेंट पड़ने वाला है और वहां जाके जो डेंट पड़ता है ग्रेजुएटी पे और पेंशन पे रोटेशन बनती है ना उसके दो हिस्से जी आवाज आ रही है आपको ऑनरेबल कोलीग्स सर आवाज आपकी आ, आ रही है बस درمیان तो में दो चार सेकंड के से लिए से अभी थोड़ी देर ब्लॉक हो गई थी अब दोबारा जी आ रही जी वो 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 आई एम सॉरी क्योंकि मैं टेलीफोन से कनेक्टेड हूं अपने मोबाइल फोन से तो इसलिए फिर वो जब कोई कॉल बीच में आती है अदरवाइज अगर वो ना भी तो फिर अनएम्प्लॉयड और उसके बाद फिर आ, उसके नतीजे में जितनी अनएम्प्लॉयमेंट आपके बल्क में होगी उतनी ज्यादा आपके लिए इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस होंगे और कई तरह के मल्टीफेेरियस किस्म के चैलेंजेस सोसाइटी में तो, 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 तो सारी परसेप्शन हो हो होती है, है जी तो आवाज तो आ रही है जी आपको जी सर तो आ रही है स्कीम ऑफ स्टडी स्लाइड भी क्लियर है ये हमें स्लाइड के साथ चल रहा है अच्छा जी तो मैं आपको नुकसान बता रहा था EOL के क्या हैं पहला नुकसान पे नहीं मिलती दूसरा नुकसान अलाउंस नहीं मिलते तीसरा नुकसान इंक्रीमेंट नहीं मिलती चौथा नुकसान पेंशन की तरफ इसको काउंट नहीं किया जाता और ईओ जो है ये ज्यादातर कब इस्तेमाल होती है ये तब होती है जब कोई बंदा एबसेंट फ्रॉम ड्यूटी होता है पीडा के तहत अगर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो उसके उस पीरियड को रेगुलराइज करने के लिए जो लीव अथॉरिटी है है वो कह देती कि लेकिन याद रखें ये हर एबसेंस को ई में ना करें क्योंकि ई का मतलब होता है परमिशन से दी गई छुट्टी तो फिर आप उस बंदे को सजा नहीं दे सकते ठीक है और फिर जो भी ई का पीरियड होगा ये ड्यूटी पे स्पेंट नहीं हुआ ये कंसिडर किया जाएगा ये ईओएल के सारे नुकसान हैं इसको भी याद रखना है रेक्रिएशन लीव जैसे के नाम से जाहिर है सैरो तफरी वाली छुट्टी ठीक है अब सैरो तफरी वाली छुट्टी जो है वो हमें मिलती है आ, हम हमारे डिपार्टमेंट को तो नहीं मिलती मोस्टली ये उनको मिलती है जो नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट होते हैं उनको ये मिलती है वोकेशन डिपार्टमेंट वालों को नहीं मिलती और ये फाइनेंशियल ईयर में एक ही दफ़ा मिलती है पंद्रह दिन के लिए चूँकि इसका डायरेक्टली हमारे साथ ताल्लुक नहीं है इसकी ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं चूँकि ये हमें मिलती नहीं है तो जो चीज़ हमें मिलती नहीं है तो हम उसके बारे में क्यों इतनी मगजमारी करें अब बात ये होता है कि छुट्टी मिलती है आपको आपकी अर्न लीव से आपके बटवे से तो अगर आपके बटवे में छुट्टी नहीं है तो फिर क्या करेंगे आपको ज़रूरत है तो उसके लिए ऐसा है उसे हम कहते हैं लीव नॉट ड्यू यानी आपका हक तो नहीं है लेकिन आपको महकमा दे सकता है और वो छुट्टी मैक्सिमम तीन दिन की हो सकती है पूरी सर्विस में जिसमें से अगर आपकी सर्विस पांच साल है तो वो नब्बे दिन के लिए आपको मिलेगी आप उसको चाहे तो हाफ पे पे करा सकते हैं या फिर आपको तीन पूरी सर्विस के अंदर इन एंटीसिपेशन ऑफ योर अर्निंग ऑफ लीव ये मिलती है क्या मतलब इन का मतलब ये अर्न लीव आपने अर्न नहीं की लेकिन डिपार्टमेंट को पता है कि इस बंदे ने अभी और 20 साल सर्विस करनी है तो अगले पांच साल जो ये अर्न लीव हासिल करेगा ये लीव उसमें से काट ली जाएगी तो इसे कहते हैं लीव नॉट ड्यू एंटीसिपेटरी लीव यानी ऐसी छुट्टी जो आपके खाते में तो नहीं होती लेकिन डिपार्टमेंट आपको दे देता है कि चूंकि आप रेगुलर मुलाजिम हैं आपने छुट्टियां अर्न करनी ही करनी है तो उसमें से काट लेंगे पूरी सर्विस में से तीन दिन की मिलती है और अगर पांच साल सर्विस हो तो नब्बे छुट्टी है लीव नॉट ड्यू भी आपको मिल सकती है ठीक है और इसको हाफ पे में भी आप कन्वर्ट करा लेते हैं अब फायदा ये होता है कि अगर आपके पास छ सौ छुट्टियां हैं फुल पे पे तो आप जनाब उसको आप, हंड्रेड को फिफ्टी में चेंज करा के या हंड्रेड को टू हंड्रेड में चली जाएगी तो हाफ पे यानी सौ की छुट्टियां एक सौ और शामिल हो जाए तो हाफ़ पे पे मिल जाएंगी इसका मतलब यह है कि छुट्टी जब पे के साथ मिलती है ना तो आपके सर्विस में काउंट होती है उसकी पेंशन भी मिलती है उसकी इंक्रीमेंट भी मिलती है उसको वो डेंट नहीं पड़ता जो यूएल डालती है ठीक हो गया इसलिए चाहे तो आप हाफ पे पे भी ले सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि ऐसी छुट्टी में बी का मतलब है फ्रीक्वेंटली ना दी जाए बंदे को बड़ी अशद इमरजेंसी है तो उसको डिटरमिन करके फिर ये छुट्टी दें वरना देने की जरूरत नहीं है अब हम बात करने लगे हैं स्पेशल लीव की और ये स्पेशल लीव है जी इद्दत लीव ये एक फीमेल सर्वेंट को मिलती है उसके हस्बैंड की डेथ के ऊपर ये 130 दिन के लिए मिलती है और ये अर्न लीव में से नहीं मिलती ये आउट ऑफ द लीव अकाउंट मिलती है ये चूंकि इसीलिए इसका नाम स्पेशल लीव है इसके लिए ख़ुदा ना खास्ता फीमेल जो आ, हमारी बहनें और हमारी टीचर्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी अर्न लीव के अंदर ये छुट्टी मौजूद हो तो फिर उनको मिलेगी तो हमारी ऑनरेबल जो फी फीमेल कॉलीग्स हैं वो उनको ये स्पेशल लीव मिलती है जो लीव अकाउंट से हटके यानी ये लीव अकाउंट से डेबिट क्रेडिट नहीं की जाती ठीक है अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि एक फीमेल टीचर को डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा लीव सेंक्शनिंग अथॉरिटी को और ये पहले भी दिया जा सकता है और छुट्टी करने के बाद भी इ्जत पूरी करने के बाद भी दिया जा सकता है इसमें ऐसी कोई जरूरत ये एक और लीव है आप समझ लें ये भी एक स्पेशल लीव है मेटर्निटी लीव ये नबे दिन के लिए मिलती है अच्छा अक्सर हमारी खातिन में खौफ पाया जाता है कि नबे दिन की छुट्टी ले लें तो सीट खाली हो जाती है कोई और ट्रांसफर करा के आ जाएगा ऑनरेबल कॉलेग ये याद रखें कि नबे दिन की छुट्टी रूटीन की हो तो उससे सीट खाली होती है मटर्निटी लीव एक स्पेशल लीव है ये नबे दिन की पूरी ही वो कर सकते हैं और सीट भी खाली नहीं होती इसलिए एक दिन की छुट्टी जो उसमें वो जानबूझ के एटी नाइन की ले लेते हैं कि नाइनटी की करेंगे तो शायद सीट खाली हो जाएगी और हमारी ट्रांसफ़र ना हो जाए ऐसा नहीं है ये छुट्टी भी लीव अकाउंट से बाहर दी जाती है इसका भी लीव अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है और ये जो पैंतालीस uh, दिन की भी मिल जाती है जब एक फीमेल टीचर जो है वो कन्फाइनमेंट में चली जाती है तो उसको 45 की मिलती है ऑनवर्ड या अगर वो स्टार्ट से ही ले ले जब डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं तो फिर वो 90 डेज़ की मिलती है और ये सारा करने के बाद भी ये 90 डेज़ की छुट्टी बाद में ही अप्लाई करनी पड़ती है इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि आप पहले छुट्टी लेंगे तो फिर ही जाएंगे आप एक दरखास्त दे दें और जब आप ज्वाइन करेंगे तब आप मेडिकल भी साथ ले जाएँ और बाकी चीज़ें भी जा ले जाएँ और ये वाहद वो छुट्टी है मेडिकल की जिसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं देना पड़ता तो ये जनाब आप जहन में रख लें इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है तो ये बच्चे की पैदाइश के बाद भी मेडिकल सर्टिफिकेट जाके जमा कराया जा सकता है क्योंकि ये लीव अकाउंट से बाहर है मेडिकल लीव में इतना ही काफ़ी होता है कि आप लिख के भेज दें कि जनाब आपको ये बीमारी है साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दें तो जनाब आपकी छुट्टी का अंडर कंसड्रेशन हो जाती है और वो आपको जब वापस आप जाते हैं तो आप उसको सेंक्शन करा लें फ़र्क ये है आम मेडिकल लीव लेंगे तो उसके बाद आपको मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है मटर्निटी लीव वाद वो छुट्टी है मेडिकल की जिसके बाद कोई जैनो फ़िटनेस सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता ये नबे दिन की मिलती है कन्फाइनमेंट से 45 फाइव डेज की भी ली जा सकती है और ये जो नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट है ना जी उनको सिर्फ ये तीन दफ़ा मिलती है उसके बाद उनके लीव अकाउंट से अर्न लीव से ये मिलती है लेकिन जो वोकेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो फीमेल टीचर्स हैं उनके लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है लेकिन इसके साथ पाबंदी दूसरी तरफ आ जाती है वो पाबंदी ये है कि जो पटर्निटी लीव है पटर्निटी लीव के अंदर सिर्फ सात दिन की छुट्टी हस्बैंड को मिलती है और वो पूरी सर्विस में सिर्फ दो दफ़ा मिलती है यहाँ कोई लिमिट नहीं है लेकिन वहाँ दो दफ़ा है तो ये पटर्निटी लीव जो है ये जितनी भी चाहें वो वोकेशन डिपार्टमेंट के लोग ले सकते हैं पटर्निटी लीव जो है वो सिर्फ दो दफ़ा मिलेगी लेकिन ये जो पटर्निटी लीव है अगर इसके दौरान कोई इंक्रीमेंट का टाइम आ जाता है यानी दिसंबर का महीना आ जाता है तो इसमें जनाब ये इंक्रीमेंट भी लगाया जाता है इसमें इंक्रीमेंट काटा नहीं जाता क्योंकि ये स्पेशल डिस्पेंसेशन है ऐसा कटौतियां सिर्फ ई के अंदर होती हैं पटर्निटी लीव मैंने आपको बता दिया है कि सेक्शन एट जो न, नया एड हुआ है उसके तहत ये फुल पे पे दो मरतबा छुट्टी मिल सकती है जी हस्बेंड को पूरी सर्विस के अंदर ठीक है डिसबिलिटी लीव है खुदा न खास्ता काम करते हुए कोई बंदा इतना जबरदस्त इतना ज्यादा इंजर्ड हो जाता है कोई एलमेंट आ जाती है बीमारी आ जाती है कि जिसकी वजह से उस बंदे के लिए जो है ना पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपनी जो है ना वो कर ले ड्यूटी कर ले तो ये भी वाहद लीव है जो लीव अकाउंट से बाहर होती है इसके लिए भी आपको या किसी भी ऑनरेबल कोलीग को ख़ुदा ना खासा जो किसी मेडिकल इशू में आ जाता है इसके लिए अर्न लीव का होना ज़रूरी नहीं है ये डिसेबिलिटी लीव जो है सेक्शन चौदह के तहत लीव रूल्स की ये सात सौ बीस दिन के लिए मिलती है जी और डिसेबिलिटी के लिए मिलती है इंजरी के लिए मिलती है एलमेंट के लिए मिलती है और याद रखें यह जितनी मेडिकल जिस लीव के साथ मेडिकल का लफ्ज यूज़ होगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसकी रेकमेंडेशन के ऊपर छुट्टी मिलती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की वो चीज़ें कंसिडर नहीं होती हाँ वो कब कंसिडर होती हैं कि आप प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँ और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले लिख के आपको दे दें कि जनाब यहाँ ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता ये आप किसी प्राइवेट अदारे में जाके करा लें उसे कहते हैं रेफर लेटर अगर वो आपको मिल जाए तो फिर आपको री एम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल चार्जेस यानी जितने पैसे बीमारियों पे लगते हैं वो गवर्नमेंट वापस कर देती है अगर इलाज आप प्राइवेट अदारों से कराएंगे प्राइवेट डॉक्टर से कराएंगे तो वो मेडिकल पे लगे हुए पैसे री एम्बर्स नहीं होते वो वापस नहीं मिलते पैसे सिर्फ वही मिलेंगे या जो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के गवर्नमेंट डॉक्टर्स के एम एस से किए हुए या उनकी पर्चियाँ होंगी या उनकी प्रेस्क्रिप्शन होंगी या वो रेफ़र कर दें कि प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएँ तो आपको रियंबर्समेंट होगी वरना प्राइवेट के जितने पैसे भी लगेंगे कोई रियंबर्समेंट नहीं होती अब ये जो 720 दिन की छुट्टी है इसमें करना ये होता है कि जो पहले 180 दिन की छुट्टी होती है वो तो फुल पे पे मिलती है और इसके बाद जो बची हुई 540 दिन की छुट्टी है ऑनरेबल कोलिग वो हाफ पे के ऊपर मिलती है दैट मेक्स अ टोटल नंबर ऑफ 72 दिस इज कॉल्ड डिसेबिलिटी लीव विच इज ग्रांटेड टू दिविल ऑन अकाउंट ऑफ इंजरी एलमेंट ऑफ डिजीज दिस इज आउट ऑफ दर्न लीव पर्स दिस इज अस्पेशल इत लाइक एनी पाकिस्तान जिन्होंने जाना होता है इसे एक्स लीव कहते हैं। अब एक चीज में रख लें कि एक्स लीव को भी आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं लेकिन ये लीव वाद जो आपको या तो अपनी अर्न लीव में से लेनी पड़ेगी और अगर अर्न लीव में नहीं है तो फिर ईओ एल लेनी पड़ेगी तो एक्स पाकिस्तान लीव के लिए ये आपके अकाउंट से निकलती है इसलिए आपने अपने बटवे में इतनी अर्न लीव रखनी है कि आपको एक्स पाकिस्तान पे काम आ जाए ये लीव अंडर सेक्शन फाइव फुल पे पे भी ली जा सकती है और रूल सिक्स के तहत हाफ पे पे भी ली जा सकती है और एक्स पाकिस्तान लीव ई के तौर पे भी ली जा सकती है अगर आपके खाते में बटवे में अर्न लीव नहीं हैं तो फिर आप ई भी ले सकते हैं लेकिन ई के मैंने नुकसान आपको सारे बता दिए हैं फिर एल पी आर है जो लीव प्रेपर टू रिटायरमेंट में आगे जाके एक इसका कंपैरिजन भी करूँगा लीव इन कैशमेंट के साथ ताकि ऑनरेबल कोलिग्स को पता चल जाए कि इन दोनों में से बेहतर कौन सी है ये पहले एक सौ अस्सी दिन के लिए मिलती थी अब गवर्नमेंट ने तीन सौ पैंसठ दिन के लिए कर दी है ये आपको आखिरी जो आपके सर्विस का साल होता है वो तीन सौ पैंसठ दिन मिलते हैं आप फर्ज करें आपने बटवे के अंदर अर्न लीव जो है वो पाँच सौ दिनों की जमा पड़ी है आपका आखिरी साल आ गया तो पाँच सौ दिन की अर्न लीव आपके किसी काम नहीं आएगी क्योंकि उसमें से वो माइनस कर लेंगे और तीन दिन रहने देंगे बाकी ख़त्म कर देंगे तीन डे दे के आपको पैसे दे देंगे ठीक है साथ में आपको साल की छुट्टी दे देंगे लेकिन इस इसके अंदर फिर आपको बहुत सारे नुकसान हैं वो आगे जाके हम बात करते हैं तो ये लीव जो है ये आपको फुल पे पे, पे भी मिल सकती है हाफ पे, पे पे भी अगर आपके टोटल जितनी छुट्टी पड़ी है उसमें से आप कर सकते हैं और इसको आप रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं कि मैंने एलपीआर पे नहीं जाना क्योंकि जब आप छुट्टी नहीं लेते हैं तो आप पैसे लेते हैं जब आप पैसे लेते हैं तो आप छुट्टी पे चले जाते हैं दो चीजें है ना एल में क्या करते हैं ये रिटायरमेंट की तैयारी के लिए एक साल की छुट्टी होती है इसमें ये होता है कि आप पैसे ले लेते हैं और आप छुट्टी पे चले जाते हैं ठीक है अब छुट्टी जो है ना वो छुट्टी ले ली आपने आप लीव इन कैशमेंट कहते हैं मैंने नहीं लेनी मुझे छुट्टी दे दें ये ज्यादातर वो लोग करते हैं जिन्होंने कारोबार करना होता है लेकिन मोस्टली लोग लीव इन कैशमेंट में जाते हैं लीव इन कैशमेंट का मतलब ये होता है कि मैंने छुट्टी भी नहीं करनी मैंने ड्यूटी भी करनी है मैंने लीव इन कैशमेंट के पैसे भी लेने हैं मैंने तनख्वाहें भी लेनी है तो आपको फर्क तो वाजे नजर आ रहा होगा कि किस तरफ ज्यादा पैसों का फायदा है ठीक है ना अब ये लीव जो है इसको रिफ्यूज भी किया जा सकता है ये लमसम भी ली जा सकती है कि आपको इकट्ठी दे दें लेकिन पर मंथ मोस्टली लोग लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है कि पर मंथ आप लें अब इस लीव का एक और जो मसला है कि इसमें फॉर दर्पज ऑफ लम इन लीव ऑफ सच रिफ्यूज लीव ओनली दीनियर पोस्ट अलाउंस जो आपको मिल रहा होता है या लीव पे जो आपको मिल रही होती है ये दो चीजें मिलती हैं इसके अलावा और कोई चीज जो है ना वो नहीं मिलती अब अगर सिविल सर्वेंट जो है वो खुदा न खास्तः उसकी डेथ हो जाती है आखिरी साल के अंदर ही तो फिर उसको भी उसकी फैमिली को एक सौ अस्सी दिनों की ये जो आ, मिलती है एल पी आर के पैसे मिलते हैं या ट के पैसे वो ले सकता है 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 अब अब बात कि कि क्या LPR पे अब एक बंदा जाना चाहता चाहता जी मैं छुट्टी करना चाहता हूं, मुझे लीव इन के पैसे नहीं चाहिए मुझे अब छुट्टी दे दें साल की मैं जा रहा हूँ ठीक है अब ये जो है ना छुट्टी रिफ्यूज भी की जा सकती है देखे ना अगर एक बंदा है वो इनएविटेबल है उसके जाने के बाद एक खला पैदा हो जाएगा डिपार्टमेंट के लिए मसला पैदा हो जाएगा तो फिर क्या किया जाए ग्रेड सत्रह या इससे ऊपर के लोग जो हैं चीफ सेक्रेटरी पर्सनली वो उनकी छुट्टी को रिफ्यूज कर सकते हैं भाई नहीं आपने नहीं जाना और ग्रेड सोलह और उससे नीचे जितने लोग हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी महकमे का उसको इनकार कर सकता है इनके अलावा ये वाद दो अथॉरिटीज हैं जो किसी को डेलीगेट नहीं की जा सकती ग्रेड सत्रह या ऊपर से लोगों की एलपीआर को रिफ्यूज करना है तो वो चीफ सेक्रेटरी साहब करेंगे सोलह और उससे नीचे करना है तो वो आपकी छुट्टी जो है वो रिफ्यूज जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव uh, डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी करेगा और ये तैयारी के लिए छुट्टी पे जाते हैं तो आप क्या करते हैं आप छुट्टी ले लेते हैं पैसे सरेंडर कर देते हैं लेकिन लीव इन कैशमेंट में क्या होता है आप पैसे भी लेते हैं और आप छुट्टी को सरेंडर कर देते हैं मैंने छुट्टी मैंने पे नहीं जाना मैं तो आखिरी साल काम करूंगा मुझे आखिरी साल के पैसे दे दें दे आप और फिर लीव इन कैशमेंट भी मिलेगी बारह महीनों की तनख्वाहें भी मिलेंगी इंक्रीमेंट भी, भी लगेगी और जनाब जो पे रिवाइज़ होगी उसके पैसे भी मिलेंगे तो बताएं ये जो एल पी आर है ना ये सिर्फ उन लोगों के लिए फ़ायदा मंद है जिन्होंने जाके नौकरियाँ करनी होती हैं को अपना बिजनेस करना होता है लिहाजा वो कहते हैं कि यार साल आखिरी साल में इस्टेबलिश करें एंड पे जनाब पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी कोई नहीं लीव एंड कैशमेंट छोड़ देते हैं अब देखें लीव इन कैशमेंट अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट होती है मसला एक बंदे की बेसिक पे ये पता आपको बेसिक पे पे मिलती है जितनी आपकी और ये ऑप्शन देनी होती है आपके आखिरी साल से पंद्रह जो है ना महीने पहले यानी रिटायरमेंट से पंद्रह महीने पहले आपने ये ऑप्शन देनी होती है कि आपने एल पी आर पर जाना है या लीव इन कैशमेंट पे जाना है और वो फाइनल होती है एक दफ़ा ये सेंक्शन हो जाए एक दफ़ा आपको सिर्फ इसकी जो है ना अब वो कैंसलेशन करा सकते हैं कि मसलन आपने लीव इन कैशमेंट जो है ना वो कहा कि मैं लीव इन कैश लूंगा पैसे आपने जो है ना वो सरेंडर कर दिए आप छुट्टी पे चले गए तो आप कहते हैं नहीं यार मैंने तो एल करनी है या एल से लीव इन कैशमेंट में जाना है या लीव इन कैशमेंट से एल में जाना है एक ऑप्शन है अगर आप पंद्रह महीने रिटायरमेंट से पहले ये कर देंगे तो एक दफा ये चेंज हो सकता है उसके बाद ये कभी चेंज नहीं होता तो एल पे ज्यादा वो लोग जाते हैं जिन्होंने कारोबार करना होता है अपना बिजनेस करना होता है बाहर जाना होता है बच्चों को मिलने जाना होता है लीव इन कैशमेंट वो करते हैं जिनका कोई कारोबार नहीं है जो कहते हैं हमने तो नौकरी करनी है लिहाजा वो आखिरी साल भी छुट्टी नहीं करते बारह महीने नौकरी करते हैं बारह महीनों की तनखाए भी लेते हैं पे रिवाइज भी कराते हैं इंक्रीमेंट भी लेते हैं और एंड पे जाके लमसम लीव इन कैशमेंट के पैसे भी ले लेते हैं और वो मैं आपको बता रहा था कि एक महीने की जो आखिरी साल में हर महीने की आपकी जो बेसिक uh, पे होती है उसको बारह के साथ ज़रब दिया जाता है जितनी टोटल अमाउंट बनती है ना वो आपकी लीव इन कैशमेंट होती है लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जब आप जुलाई तक चलते हैं आपको पता है जून के बाद जुलाई में पे स्केल रिवाइज हो जाते हैं या पैसे लग जाते हैं तो अगर आप पचास हज़ार ले रहे हैं तो उसमें फिर वो फ़र्ज़ करें पाँच हज़ार और लग गए फिर आप एंड पे जाते हैं दिसंबर में इंक्रीमेंट भी लग जाती है फिर जनाब वो भी आपके पैसे फ़र्ज़ करें पचास हज़ार से साठ हज़ार हो गए तो आप साठ हज़ार को बारह से देना तो जनाब ये कितने लाख रुपए आपका ये पैसे जो है ना ये आपको मिलेंगे क्या करता है सैलरी तो उसे मिलेगी लेकिन वो नौकरी नहीं करेगा लिव इन कैशमेंट वाला क्या करेगा वो नौकरी पे भी आएगा उसको सैलरी भी मिलेगी अब जो एल पी आर पे चला जाता है उसको बेसिक पे के साथ और कौन कौन सी चीजें मिलती हैं पर्सनल पे एडहॉक रिलीफ जितने होते हैं वो मिलते हैं हाउस रेंट मिलता है मेडिकल पे मिलती है इसके अलावा कोई चीज़ नहीं मिलती इधर सब कुछ मिल रहा होता है और ये सारी चीज़ें पेंशन में भी शामिल होंगी उधर उसका भी नुकसान होता है अब एल जो है ये एग्जैक्टली exactly एक साल पहले स्टार्ट होती है रिटायरमेंट से लीव इन कैशमेंट भी एग्जैक्टली exactly एक साल पहले स्टार्ट होती है रिटायरमेंट से एल की ऑप्शन जो है ना वो आपने पंद्रह महीने पहले देनी होती है इसी तरह लीव इन कैशमेंट की भी और ये एक ही मरतबा होती है एक मरतबा अगर आप कर लें तो बाद में ये चेंज नहीं हो सकती इसलिए सोच समझ के ये ऑप्शन देनी है फर्क किसमें है वो मैंने आपको बता दिया है खुदा ना खास्ता है, इन सर्विस डेथ हो जाती है तो लमसम पेमेंट मिल जाती है जनाब इन लीव ऑफ लीजू एक सौ अस्सी दिन के पैसे होते हैं जो फैमिली को मिल जाते हैं जनाब अब कोई भी आपने छुट्टी लेनी है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको वजह बताएं मुझे फलाम वजह के लिए आप लिख दें डोमेस्टिक इश्यूज के लिए कोई भी वजह लिखें तो अथॉरिटी आपको ये नहीं कह सकती आपने अर्न लीव अप्लाई की, आप अपल अप्लाई करें आपने ई क्यों अप्लाई की आप अर्न लीव अप्लाई करें तो ये आपका इस्तेक है अथॉरिटी का ही है लिहाजा आप अपनी मर्जी से मेडिकल लीव चाह रहे हैं ईओ चाह रहे हैं आप अर्न लीव चाह रहे हैं ये आपकी मर्जी है ये उसके मुताबिक जो है अगर मेडिकल है तो मेडिकल की छुट्टी जो है उसको भी रिफ्यूज नहीं किया जा सकता लेकिन एक शर्त है अगर आप लीव सेंक्शनिंग अथॉरिटी हैं तो आप उस मेडिकल को दोबारा वेरीफाई करवा सकते हैं दोबारा मेडिकली जांच करवा सकते हैं अगर वो ओके हो तो छुट्टी दे दें अगर वो झूठा निकले क्योंकि अक्सर देखा गया कि कई लोग झूठा मेडिकल बना के दे देते हैं तो अथॉरिटी की मर्ज़ी है वो उसको री वेरीफाई कराए कि क्या वाकई ये जेनवन है और इसका मेडिकल चेकअप किया जाए दोबारा अगर वो गलत निकला तो जनाब ये मिसकंडक्ट है और मिसकंडक्ट के तहत आपको पता कारवाई होती है इसलिए ये आपके पास अथॉरिटी मौजूद है।, है, है, है।, है, है और जिस दिन आपने ज्वाइन करना है उससे पहले दिन छुट्टी जो है ना वो खत्म होती है और याद रखें जब भी छुट्टी के लिए लीव इन टाइटलमेंट जो एजी ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस वाले देते हैं वो लीव अकाउंट क्या होता है वही आपका पर्स होता है अर्न लीव का वो बताते हैं कि इनके खाते में इतने पड़े हुए हैं यार आपको मेडिकल लीव भी उसी में से लेनी है एक्स पाकिस्तान भी उसी में से लेनी है ठीक है ना तो फिर आपको वो सारे आपके बटवा वो लीव अकाउंट जो है ना वो बटवे का वो समझ लें बैंक स्टेटमेंट है छुट्टी की स्टेटमेंट है ठीक है तो वो आप जो है ना वो लेते हैं एजी ऑफिस से या डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से उसमें लिखा होता है कि इनके बटवे के अंदर इतनी छुट्टियां पड़ी हुई हैं और ये छुट्टियां इतनी ये विद पे ले सकते हैं विद हाफ पे ले सकते हैं कुछ भी जो है तो ये जब भी आपने लीव टाइटल बनाना है आपने कोशिश करनी है क्योंकि उसके बगैर छुट्टी सेंकशन नहीं होती जिस दिन छुट्टी से आपने जाना है उस दिन की डेट लिखी हो जिस दिन छुट्टी खत्म होगी वो डेट लिखी हो ये इसलिए है कि जब ऐसा नहीं लिखा होता था तो लोग अपनी मर्जी से महीने की छुट्टी ली दस दिन बाद छुट्टी पे जा रहे हैं दस दिन पहले जनाब दफ्तर आ रहे हैं और लिखा हुआ मैंने डोमेस्टिक इमरजेंसी है तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है अब छुट्टी से वापस भी बुलाया जा सकता है आपको याद रखें ये अथॉरिटी का अख्तियार है कि वो आपको छुट्टी से

डिप्टी डायरेक्टर अपने दफ्तर में डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर में काम कर रहा है वो उसका हेड क्वार्टर है नॉर्मली ये समझा जाता था कि डीपीआई सबसे बड़ा दफ्तर है या डायरेक्टोरेट सबसे बड़ा दफ्तर है हमारा हेडक्वार्टर ये है ये हमारा हेडक्वार्टर नहीं है वो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हैडक्वार्टर है छुट्टी के लिए हेडक्वाटर का मतलब है जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ने से उसकी जूरिसन से बाहर अगर आप जाते हैं तो आपने अथॉरिटी को बताना होता है कि जनाब आप कहाँ पे जा रहे हैं इवन के वो हॉलीडेज हो वो कै वो लीव हो वो किसी किस्म की भी लीव हो वो आपने बियॉन्ड जूरिस्टिक्शन जाना है तो आपने परमिशन लेके जाना है अगर ना लें तो ये मिसकंडक्ट होता है छुट्टी के बाद आपने ज़्यादा देर ओवर स्टे नहीं करना क्योंकि छुट्टी के बाद ओवर स्टे का मतलब होता है एबसेंस फ्रॉम ड्यूटी और एबसेंस जो अनऑथोराइज होती है वो एक दिन की भी हो तो वो ग्रेव मिसकंडक्ट होता है इसलिए जब छुट्टी ख़त्म हो जाए फॉर रिपोर्ट करें इस हवाले से गवर्नमेंट uh, ने जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं डिपार्टमेंट्स को कि अगर एक बंदा पी पे जाता है एम पे जाता है वो आपसे साल की छुट्टी लेके गया है उसके बाद साल की छुट्टी ख़त्म होने वाली है उन्होंने आपको दरखास्त दे दी चार महीने आपके पास वो पड़ी रही बाद में आपने रिजेक्ट कर दिया उसको भाई पहली बात तो यह कि आप रिजेक्ट कर ही नहीं सकते इसलिए नहीं कर सकते कि आपने पहले जो साल की छुट्टी दी है बाकी भी उनको छुट्टियाँ दें क्योंकि पहले वो आपकी इजाजत से किया है पीएचडी अब चार साल में मुकम्मल होती है एक साल की छुट्टी देके अगले तीन साल का इनकार कैसे किया जा सकता है एम की एक साल की छुट्टी दे के और आपको पता है ये छुट्टियां साल साल की टर्म्स में मिलती है स्टडी लीव की ठीक है ना तो ये बाद में छुट्टी जो है ना रिफ्यूज नहीं की जा सकती लेकिन वो चूंकि बंदा तीन महीने छुट्टी मिलती नहीं है वो कहते हैं जी एबसेंट फ्रॉम ड्यूटी है मिसकंडक्ट के ऊपर बंदे के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है तो ये उन्होंने बताया कि एक तो छुट्टी लेने वाला टाइम पे छुट्टी की दरखास्त दे और फिर उसको फॉलो अप करे ये नहीं है कि छुट्टी भेज के खुद सो जाए क्या डिपार्टमेंट करेगा डिपार्टमेंट समंदर है जहाँ पे इतना इतना कुछ आता है कि वो ज़ाहिर है मुश्किल होता है तो हर बंदे को खुद और कानून भी उसकी मदद करता है जो विजिलेंट होता है जो इंडोलेंट होता है कानून उसकी कोई मदद नहीं करता इसलिए बहुत एक्टिव हो के ये सारा ओवर स्टेज से बचना है क्वारंटाइन लीव ये पता है आजकल आपको जो चल रहा है कोविड का मसला है पंद्रह दिन की ये छुट्टी होती है ये भी ये एक्स्ट्रा क्या वो लीव होती है होती पंद्रह दिन की है कटती दस दिन की है दस दिन की ट्रीट होती है और ये फुल पे पे मिलती है ठीक है तो ये भी आपने जेहन में रखना है ये एक्स्ट्रा कैजुअल लीव है क्वारंटाइन लीव जो कि बीमारी की शक्ल में ऑन दी रेकमेंडेशन ऑफ दी मेडिकल अटेंडेंट मेडिकल अटेंडेंट कौन होता है सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर तो ये फुल पे पे और विद अलाउंस के साथ मिलती है ठीक है अब छुट्टी किसी तरह की भी आप अप्लाई कर सकते हैं आपको कोई मना नहीं कर सकता कि आप यूएल क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं ये रिफ्यूज़ नहीं की जाएगी जो छुट्टी भी आप अप्लाई करेंगे अगर वो आपके बटवे में है तो वो आपको मिलेगी कोई आपको रोक नहीं सकता अब आ जाए स्टडी लीव की तरफ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टडी लीव मिलती है आपने कोई साइंटिफिक स्टडी करनी है टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए करनी है कोई और इस तरह के मामला करने हैं तो स्टडी लीव मिलती है और स्टडी लीव आपको मिलती है जनाब किन डिपार्टमेंट्स को मिलती है ये फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एग्रीकल्चर एजुकेशन मैंने हाईलाइट किया और इनको मिलती है और आप ये जेहन में रखें हर गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगी इन डिपार्टमेंट्स में इसकी शर्त ये है कि बंदे की पाँच साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए स्टडी लीव शुड नॉट ऑर्डनरी बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स लेस देन सर्वेंट हैयर सर्विस पाँच साल से एक दिन भी कम होगा तो स्टडी लीव नहीं मिलती आपको पता है ये फुल पे पे मिलती है इसमें सारी पे जो है वो आपको Uh, पैसे मिलते हैं और कन्वेंस लॉन्स से हट के सारी चीजें आपको वो देते हैं ठीक है तो ये मिलती क्यों है ये हर बंदे का इस तरह आग नहीं है एक्सीजेंसी ऑफ पब्लिक सर्विस अगर गवर्नमेंट समझती है कि इस बंदे का पढ़ना गवर्नमेंट के फायदे में है तो फिर ये छुट्टी मिलती है ये छुट्टी बंद भी हो सकती है पहले दो साल की मिलती थी अब ये है कि बारह महीने के पीरियड की छुट्टी मिलती है और ये भी जाहिर है जब अर्न लीव से जाएगी तो ये अर्न लीव का इससे कोई ताल्लुक नहीं है यूएल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसकी वजह कि स्टडी लीव भी एक स्पेशल डिस्पेंसेशन है ये आपको लीव अकाउंट से हट के मिलती है इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है अच्छा तो ये दो साल की छुट्टी चार साल तक एक्सटेंड भी हो सकती है लेकिन सवाल ये है कि जो बंदा छुट्टी एक्सटेंड कराने आएगा वो अपने सुपरवाइज़र की रिपोर्ट साथ लगाएगा कि इनकी रिसर्च अभी तक बड़ी ज़बरदस्त जा रही है इनकी छुट्टी को बढ़ा दिया जाए अब बाद में ये ऐड कर दिया जाए कि जो पीएचडी कोर्स पे जाएंगे शेल भी अलाउड फुल पे ड्यूरिंग स्टडी लीव उनको पूरी पे जो है वो दी जाएगी तो ये स्टडी लीव के हवाले से जनाब और ये स्टडी लीव है प्रमोशन के लिए भी काउंट होगी सर्विस में भी काउंट होगी पेंशन में भी काउंट होगी क्योंकि दिस इज एन एक्स्ट्रा लीव और ये भी आउट ऑफ लीव अकाउंट चल रही है ठीक है एक्स्ट्रा लीव होती है ये भी अच्छा आप आ जाए क्या यो लीव ये पच्चीस होती हैं जी एक सिविल सर्वेंट के पास पूरे साल के अंदर एट अ टाइम वो दस भी ले सकता है ये लीव सेंक्शनिंग अथॉरिटी की मर्जी है और अगर खुदा ना खासा कोई स्पेशल सरकमस्टांसिस हैं इमरजेंसी है तो पंद्रह दिन की छुट्टी एट अ टाइम भी जिसमें सैंडविच हो जाती हैं हॉलीडेज भी आपकी अथॉरिटी आपको दे सकती है लेकिन पूरे कैलेंडर ईयर में यह डिस्पेंसेशन एक ही दफ़ा है बाकी कैली लीव एक ले लें दो ले लें वो जितनी आपके खाते में पड़ी होंगी इसके लिए बेहतर है कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए उसमें कैल लीव्स को दर्ज किया जाए जब भी कोई कैल लीव के लिए छुट्टी आए उसको मैच किया जाए कि इस बंदे ने ऑलरेडी कितनी कैल लीव्स की हैं ताकि पच्चीस एक्सीड ना करें जो पच्चीस एक्सीड करेंगी वो आपके अर्न लीव में से पैसे कटेंगे अब यहाँ पे भी हेडक्वार्टर का जिक्र है कि आप कैजुअल लीव पे भी जाएंगे तो अगर नो गवर्नमेंट सर्वेंट में लीव इज हेडक्वार्टर ड्यूरिंग कैजुअल लीव और हॉलीडेज एक्सेप्ट विद परमिशन ऑफ देंशनिंग अथॉरिटी तो हेडक्वार्टर मैंने बता दिया वो जगह जहां इस वक्त हर दोस्त काम कर रहा है वो हमारा हेडक्वार्टर है ठीक है जी और ये आपको देगा कौन हम लोग तो माशाल्लाह बड़े ग्रेड्स में हैं छोटे ग्रेड्स की बात करें तो ग्रेड 16 या उससे ऊपर इमीडिएट जो ऑफिसर होता है वो दे सकता है ये छुट्टी जाहिर है सोलहवें ग्रेड से नीचे कोई बंदा किसी को छुट्टी नहीं दे सकता और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ग्रेड एक से लेके पंद्रह तक ऑफिशियल होते हैं और ग्रेड सोलह से लेके बाईस तक ऑफिसर्स होते हैं ठीक है जी और ये तभी मिलती है जब लीव अकाउंट देखा जाता है इसके लिए रजिस्टर बनाना जरूरी है साइन करना जरूरी है ये वायद छुट्टी है जो आर ये नहीं है। ये ग्रेस की खातर कि हम अपने प्राइवेट अफेयर्स को जो इतफाकिया आ जाते हैं ये इस नहीं है इतफाकिया है और ये गवर्नमेंट की मर्जी है, ये वाहे है जिसको रिफ्यूज कर सकती है या फिर वो आपने देखी थी ई एल और सॉरी ई एल कह रहा हूँ एल पी आर ठीक है ना ये दो है इनको रोका जा सकता है बाकी किसी छुट्टी को रोका नहीं जा सकता कोई भी छुट्टी अप्लाई की जा सकती है अब आप छुट्टियों को मिक्स करके भी ले सकते हैं लेकिन जो एल पी आर है उसके साथ कोई छुट्टी कंबाइन नहीं होगी ये आपने याद रखना है ठीक है जी अगर परमिशन मिलती है कि फलां छुट्टी के साथ फलां छुट्टी मिला लें यानी देखें ना अनलीव खत्म होगी तो बाद में आप ई ओ यूएल ले लेते हैं वो मिला नहीं सकते वो दोनों डिफरेंटली कनकरंटली चलेंगी लेकिन वो कंबाइन नहीं की जा सकती खास तौर पर ये अब छुट्टी पे जब आपने जाना है कोशिश करें अपने चार छोड़ के जाएं ठीक है और अगर मेडिकल की छुट्टी पे जा रहे हैं तो मेडिकल स्टेटमेंट आपके पास हो मेडिकल की रिपोर्ट आपके पास हो ताकि आगे अगर आपने जब चेकअप करवाना है तो आपके पास ये मौजूद हो और आप जाके वहाँ पे दिखा दें ठीक है और याद रखें छुट्टी जो देता है छुट्टी के बाद उसी को आके रिपोर्ट करते हैं जिसने छुट्टी दी है ठीक है उसी को आके रिपोर्ट करना है ताकि वही आगे फिर आपको उसी कॉलेज में उसी तरह से भिजवाएगा अब ये कुछ छुट्टियाँ जनाब जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट वालों को भी मिलती हैं, वो भी जरा नोट कर लें रेगुलर छुट्टियों की बात करें तो उसमें दो छुट्टियाँ है, ऐसी हैं एक हज लीव है और दूसरी उम्र लीव है वो भी आपके बटवे से मिलती हैं आपको अर्न लीव मिलती हैं वैसे वो नहीं मिलती हैं आपको ठीक है जी कैजुअल लीव है ईओ एल आपने लेना है वो आपका आपको बताया दस साल सर्विस है तो पांच साल तीन साल फाइनांस डिपार्टमेंट अगर उसे कम है तो दो साल और तीन साल डिपार्टमेंट यानी एक दिन की सर्विस पे भी आप ईओ एल ये पांच साल तक ले सकते हैं अच्छा क्या वो लीव उनको ऐसे ही मिलती हैं जैसे इधर मिलती हैं उनको चौबीस होती हैं मेटर्निटी लीव जो है तीन से पांच साल के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक दफा नब्बे दिन की मिलती है विद पे फीमेल अपॉइंटी को उसके बाद नहीं मिलती मेडिकल लीव तीन महीने की मिलती है कॉन्ट्रैक्ट वालों को लेकिन मेडिकल लीव जो है कॉन्ट्रैक्ट वालों की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो हैं उनको तीन महीने की छुट्टी विदाउट पे मिलेगी और ये मिलेगी एज पर पंजाब मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1959 के तहत और तीन दिन से आगे खुदा न खास्ता उनकी बीमारी चली गई अब देखिए इंसान के बस में तो नहीं होती लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के अंदर ये लिखा हुआ है तीन महीने से आगे अगर मेडिकल लीव चली गई तो बंदे को टर्मिनेट कर दिया जाएगा अर्न लीव जो है जो नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं वो साल की दस दिन की वो अर्न लीव उनको मिलती है जबकि वोकेशनल डिपार्टमेंट वाले जो हैं कॉन्ट्रैक्ट पे लगे तो उनको छुट्टियां मिलेंगी समर की भी और विंटर की भी हाजी लीव इनको पैंतालीस दिन की मिलती है कॉन्ट्रैक्ट वालों को फुल पे के साथ एक ही दफ़ा और अगर दोबारा लेनी है तो तीस दिन की छुट्टी मिल सकती है लेकिन वो विदाउट पे होगी स्पेशल में उम्रा लीव इनको 15 दिन की मिल सकती है कॉन्ट्रैक्ट वालों को लेकिन ये विदाउट पे होगी इद्दत लीव ऐसे ही है जैसे रेगुलर लीव्स के अंदर एक सौ तीस दिन की मिलती है शोहर की वफात के ऊपर मेडिकल वो उसका डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पे और अब हम वापस जाएंगे अपने आ, क्लास में और ऑनरेबल कोलीग्स को अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हमारे पास बड़ा टाइम है आप क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन वन बाय वन कीजिएगा ताकि हम बहुत सारे दोस्तों का जब जवाब दे रहे होंगे तो वो बाकी दोस्तों को भी उनका जवाब मिल जाएगा जी जनाब इनके माइक खोल दें सर माइक खोल दें ताकि क्वेश्चन दोस्त कर सकें भी आ जाएं और कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बाक़ियों की दूर हो जाए सर 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 आप खुद नाम ले दिया करें करें आवाज आपकी कट रही है आपसे पूछना था कि आपने एल पी आर का बताया की पंद्रह माह पहले बताना पड़ता है तो अगर मसलन अगर कोई ना कर सके पंद्रह माह पहले तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा नहीं देखें कानून में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि गवर्नमेंट माँ बाप होती है ना तो माँ बाप लिहाज भी कर जाते हैं ना अमूमन तो आपने पंद्रह माह पहले ही देनी है लेकिन खुदा ना अगर नहीं होता तो फिर ऐसा नहीं आप एट द टाइम ऑफ ऑफ अवेलिंग दैट काइंड ऑफ डिस्पेंसेशन तब आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और वो अथॉरिटी के पास पूरा इख्तार है कि वो उस वक्त भी उसको एक्सेप्ट कर देंगे अगर एक्स पाकिस्तान लीव जो है वो इन छुट्टियों में की जाए मतलब जितने वोकेशनल इंस्टिट्यूट से बिलोंग करते हैं तो अगर वो उम्र पे गया छुट्टियों में गया है एक्स पाकिस्तान लीव ली है तो क्या इस सूरत में भी उसकी अर्ली लीव नहीं देखें ये तो छुट्टियां हैं ये तो वो जब आप लीव टाइटल लेने जाएंगे ना तो फिर वो उसके अंदर मेंशन करेंगे कि ये छुट्टियां कब आ रही हैं नॉर्मली हमारे दोस्त जो हैं वो बड़े स्मार्ट होते हैं वो गर्मियों की छुट्टियों में जब जाते हैं तो इससे पहले गवर्नमेंट उनको सिर्फ एन देती है छुट्टियाँ नहीं लेनी पड़ती छुट्टियाँ वो लिख देते हैं कि दी ऑफिसर इज़ अलाउड टू विजिट अब्रॉड द गवर्नमेंट हैज़ नो ऑब्जेक्शन ऑन दैट एंड दिस विजिट इज़ इन दी या ड्यूरिंग दी समर वेकेशन तो उसके लिए आपकी छुट्टियां अर्न लीव से नहीं कटती क्योंकि वो आपका स्पेशल डिस्पेंसेशन है उसके लिए अलहदा से छुट्टियां कटवाने की कोई जरूरत नहीं है बटवा खाली नहीं करना पड़ता हाँ अगर बटवे में छुट्टियां नहीं पड़ी हुई तो फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है वरना ये छुट्टियां होती हैं तो छुट्टियाँ में आपको छुट्टियां नहीं लेनी पड़ती इसके साथ अगर फर्ज करें तीन महीनों की छुट्टियाँ इसके बाद दो महीने और आपने स्टे करना है तो वो आपको अर्न लीव में से साथ अप्लाई करनी पड़ेगी असल जी वालेकुम सलाम जी हम ये साहब जी सर मेरे तीन क्वेश्चन है सर पहला सवाल एक-एक करके करें एक-एक करके करें सारे ही करें जी, जी पार्टिसिपेंट वन बाय वन बोले आप इस तरह किसी की समझ नहीं आ रही जी आवाज आवाज नहीं आ रही एक एक करके क्वेश्चन करें और जब एक ऑनरेबल को लीक क्वेश्चन करें तो बाकी दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपने माइक ऑफ रखें चूंकि इसमें डिस्टॉर्शन फिर आती है आवाज क्लियर नहीं आती तो फिर ना मुझे सवाल की समझ आएगी और ना मैं उसको सही तरह से अटेंड कर पाऊंगा इसलिए दोस्तों से ये गुजारिश है कि एक टाइम में एक क्वेश्चन करें और बाकी दोस्त अपने माइक्स को म्यूट कर लें जी सर आप सर आप नाम बोल दें, बस चले जी ये अमजद अली साहब ने हैंड रेस किया हुआ है वो काइंडली बात कर लें जी इसके बाद मोहम्मद अशरफ शहजाद साहब हैं वो बात करेंगे जी आ, सर मेरा सवाल ये था कि मैंने पीएचडी के लिए एक साल की छुट्टी ली फिर उसके बाद अगले साल की फिर तीसरे साल की ली जब चौथा साल शुरू हुआ तो अब ये नोटिफिकेशन होते हुए भी तीन चार माह लग जाते थे अगले साल की लग जाते हैं लग जाते हैं, तो, लग जाते हैं। सर, सर हुआ तो उसमें तीन चार माह गुजर गए उन पता करते रहे वो कहती है नहीं देते। तो पांच माह उन्होंने कहा नहीं जी हम आपको छुट्टी नहीं दे रहे चौथे साल की हालांकि हमारा राइट था तो उन्होंने ये कहा कि छुट्टी जो आपने एक्स्ट्रा बन गई है या तो आप इसके हमें पैसे दे दें या हम इसको एज ए अंडर करेंगे जो है तो मेरी सर्विस तो पहले टोटल ट्वेंटी बनता है थर्टी ईयर भी नहीं बनते पूरे तो वो मुझे पी एच डी करते हुए, हुए अर्ड लीव के तौर पर किया तो सर कोई तरीकेकार है मुझ पर ये रहम हो जाए आ, तो सर, तो देखें ये देखें अगर तो हम रूल की बात करें ना रूल दो चीजों की बात करते हैं एक तो वो कहते हैं कि पी की छुट्टी देट कैन गो अपर ईयर्स एक बात दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि चूंकि ये आउट ऑफ लीव अकाउंट है आपके अर्न लीव से नहीं है इट्स अ स्पेशल डिस्पेंसेशन ये एक्स्ट्रा लीव है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव uh, डिपार्टमेंट का डिस्क्रेशन होता है कि वो दें या ना दें लेकिन जो रूल कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये दैट कैन गो अप टिल फोर ईयर्स ये लिखा हुआ भी आप कहते हैं तो एक मिनट में आपको आ, अगर आप इजाजत फरमाएं तो मैं जरा मेडिकल लीव पे जाता हूँ उस पर अपना स्टडी लीव पे जाता हूँ और वहां पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है ये देखें यह जो नोट है ये स्टडी लीव के अंदर लीव रूल्स में लिखा हुआ है द पीरियड ऑफ टू इयर्स मे बी अब अब यहां ये प्रॉब्लम आप जरा नोट करें आ, कानून के अंदर दो लफ्स ज्यादा इस्तेमाल होते हैं एक होता है मे बी एक होता है शेल बी अगर यहां लिखा होता है शेल बी तो किसी सूरत में गवर्नमेंट वो छुट्टी नहीं रोक सकती ये लॉ की लैंग्वेज है अगर लिखा होता ना मे भी तो ये डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है गवर्नमेंट मे और मे नॉट ठीक है लेकिन थी. अब लिखा हुआ है कि मे बी एक्सटेंडेड टू फोर इयर्स ऑन द मेरिट ऑफ ईच केस फॉर ऑब्टेनिंग अ डॉक्टोरेट अब मेरिट क्या है आप अपने सुपरवाइजर से लिखवाएं कि पिछले तीन साल इन्होंने जो काम किया है एक्स्ट्रॉर्डनरी है ये बड़े रेगुलर रहे हैं बड़े त्वातर से काम कर रहे हैं इनका काम आउटस्टैंडिंग है बड़ा यूनिक काम कर रहे हैं मैं बीइंग सुपरवाइजर एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड विद द वर्क द लीव मे बी एक्सटेंडेड फॉर वन मोर ईयर तो आपका केस थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है तब ये मे बी जो है माइट बी चेंज इन टू शेल बी और यू कैन गेट द ईयर ऑफ योर स्टडी लीव इसका यही तरीका है सर ये रिपोर्ट साथ लगाई थी अब तो वो पीरियड भी गुजर चुका है 2018 की बात है सुपरवाइजर की बिल्कुल वो ऑपरेट हो गई सर अगर ठीक है मे बी वाली हो गई लेकिन सर अगर नहीं देनी थी तो मुझे ये टाइम से इन्फॉर्म कर देते पांच माह के बाद इन्फॉर्म किया और वो मेरी मेरा नुकसान हो गया उसमें जो है तो इस बारे में सर कुछ मैं आपकी बात से बिल्कुल इतफाक करता हूं इस हवाले से एस एन जी डी ने अब लेटर निकाल दिया हुआ है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की मंजूरी के बाद कि अगर कोई बंदा पी एच डी पे जाता है आपने उसको छुट्टी दी है बाद में आप उसकी छुट्टी रिफ्यूज नहीं कर सकते वो बंदा टाइम पे अप्लाई करे आप टाइम पे उस बंदे को छुट्टी देंगे आप तो ये कह रहे हैं ना आपकी अर्न लीव उन्होंने काट ली शुक्र करें छुट्टी दे दी यहां तो इन मैनी ऑफ द केसेस बंदों के खिलाफ एबसेंस फ्रॉम ड्यूटी के ऊपर केस जो है वो शुरू हो गया पीडा के तहत कि ये लोग एबसेंट फ्रॉम ड्यूटी हैं हालांकि उन्होंने अप्लाई किया और हमारे दोस्त भी कई इस तरह के आप तो माशाल्लाह आप तो विजिलेंट रहे आप उसको फॉलो करते रहे फिर फिर ये मसला हुआ तो जो एप्लीकेशन भेज के फिर अपना काम करते रहते हैं कि अब ये गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट करेगी तो उनको भी ये चाहिए कि वो टाइम पे करें और ताकि ये मसला ना आए और शुरू में ही अगर उनको कोई ये जवाब मिल जाए तो वो बंदा मैनेज कर ले कि मैंने आप इसको कैसे करना है गवर्नमेंट की तरफ से एच एन की तरफ से बड़ी स्ट्रिक्ट ये हदायत हैं कि आप जिसको पहले आपने छुट्टी दी आपकी इजाज़त से किया है अब आप किस कानून के तहत उसको रोक रहे हैं कि उसका लीगल राइट है पी करने का और आप उसको छुट्टी नहीं दे रहे ठीक है जो कि एक, एक एक्स्ट्रा लीव है वो उसको देनी चाहिए ये नोटिफिकेशन भी मेरे पास मौजूद है अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर कर सकता हूँ आप रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं मे बी दैट वुड बी एक्सेप्टेड और आपकी अर्न लीव जो है वो आ, उसको खत्म कर दिया जाए और आप उसको स्टडी लीव ही कंसिडर किया जाए ये अगला सवाल जी सर थैंक यू और सर ये था कि जैसे आप कोई आदमी पी करते हुए चार साल छुट्टी पे रहता है तो उसको फिर जैसे आपने बताया कि अर्न लीव तो कमाई जाती है तो वो चार साल तो छुट्टी पे था तो उसकी ये चार साल की एक साल की बारह बनती है तो ये भी ए, सर कंसीडर नहीं होगी अर्न लीव जो है। नहीं 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 ये ये देखे ये सिर्फ पेंशन के लिए ये सिर्फ प्रमोशन के लिए ये सिर्फ सीनियरिटी के लिए तो करेगी लेकिन हमने पीछे पढ़ा है कि वी अर्न लीव ऑन रेंडर्ड सर्विस इसमें आप सर्विस नहीं कर रहे हैं इसमें तो आप देखें एक ही चीज में दो फायदे तो नहीं ले सकते कि जैसे आपने दे, कहा साल में समर वेकेशन भी होती है तो दो वैसे तो साल की बारह है अब दो साल हम ऑलरेडी ही क्या कहते हैं कि छुट्टी भी होती है तो फिर हमें वो अर्न लीव भी कट यानी दो माह की अर्न लीव नहीं काउंट होंगी हमारे एक साल की जो है देखें मैं बात कर रहा हूं रूल की रूल ये कहता है कि यू यू अर्न द लीव ऑन सर्विस।, सर्विस की है तो अर्न करेंगे नहीं की तो नहीं करेंगे बड़ा वाजे है रूल्स बहुत वाजे हैं इस हवाले से अब मजे की बात यह है कि जब आप अब दो दो तीन तीन महीने बीएस कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं और आपकी छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं और मेरा ख्याल है कि समर के भी शायद अब बी एस वालों को अगर कोई दोस्त हमारे साथ शेयर करे जो ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं बी एस को क्या विंटर वेकेशन भी आप अवेल कर रहे हैं या उसमें भी यही चल रहा होता है हो रही होती जी सर बी एस तो शुरू हुआ ना हमारी तो पूरी सर्विस हो गई है हम हर साल तीन माह की दो माह की छुट्टी हमें जो मिलती थी तो उसकी फिर साल की बारह नहीं कंसीडर सर होंगी दस होंगी वो नहीं 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 वो देखें देखें मैंने आपको कहा है विंटर जो है या ये छुट्टियां जो विंटर जाहिर अगर आप छुट्टियां करते हैं तो जब आप छुट्टी करते हैं तो तब आप वर्क नहीं कर रहे होते ना गो के आप गवर्नमेंट की परमिशन से जा रहे होते हैं वैसे मैं तो आपको बताऊं ये जो कन्वेंस अलाउंस कटता है ना जब हम फर्ज करें हम छुट्टियां करते भी हैं विंटर की और ये जो कन्वेंस अलाउंस कटता है ना ये गलत है अब ये क्यों गलत है देखें वो है विंटर वकेशन वेकेशन का मतलब छुट्टियां छुट्टियां का मतलब जिसके पीछे गवर्नमेंट का ऑर्डर मौजूद है गवर्नमेंट जब खुद एक चीज दे रही है तो फिर उसके पैसे क्यों काटती है इसके लिए भी लिटिगेशन बहुत चली हुई है बहुत सारे जो है ना दोस्तों ने और बाहर भी सूबों में कई फैसले भी हो चुके हैं कि चूंकि ये वकेशन होती है ये लीव नहीं है इवन के हम तो जब लीव भी अर्न कर रहे होते हैं और अर्न लीव से ले रहे होते हैं तब काम नहीं कर रहे होते ना तो काम जब करना है तो अर्न लीव तो तब अर्न करनी है ना जब काम ही नहीं कर रहे तो उसमें आपने लीव क्या अर्न करनी है अब छुट्टियों की जहां तक बात है गर्मियों की देखें वो विंटर वाला तो एक अलग मसला हो गया ना उसमें भी जो दोस्त काम करते हैं जाहिर है विंटर की छुट्टियां होती हैं कॉलेजेस तो खुले होते हैं कॉलेजेस के ऑफिसेस तो खुले होते हैं कॉलेजेस का बिजनेस तो चल रहा होता है दाखले तो आ जा रहे होते हैं सिर्फ एक क्लास वर्क नहीं हो रहा होता ना तो जो दोस्त विंटर वेकेशंस के अंदर काम कर रहे होते हैं उनके लिए मैंने एजी ऑफिस का लेटर पीछे मैंने हवाला दिया अगर आप कहते हैं तो एक मिनट रुके मैं वापस उस पे चला जाता हूं और ये मैं आपको जाके वो लेटर उसका नंबर और डेट दिखा देता हूं काइंडली आप वो नोट कर लें और अपने एक मिनट अपने जो प्रिंसिपल साहब हैं जरूर उनको कहें कि वो जनाब इन छुट्टियों के लिए एक महीना पहले ये ये है जी ए जी ऑफिस का वो लेटर और ये है इसकी वर्डिंग और ये सारा मामला तो इसको आप नोट कर लें इसके तहत ए जी ऑफिस ये कहता है आप अगली स्लाइड में काइंडली देखिए कि इट इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड फॉर इन कारपोरेशन इन ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम आपको इन छुट्टियों का कन्वेंस नहीं कटेगा प्रोवाइडेड अब अगर दिसंबर में छुट्टियां हो रही है तो नवंबर की फर्स्ट को वो ये लेटर बुजवा दे कि जनाब ये ये लोग जो हैं विंटर वो उसमें लिखते हैं कि जनाब ये हमारे लोग हैं इन्होंने विंटर वेकेशन में भी आना है ये सीरियल नंबर है ये इनका नाम है ये डेजिग्नेशन है ये इनकी ड्यूटीज हैं लिहाजा काइंडली इनका कन्वेंस अलाउंस ना काटा जाए और इसी तरह की एक्सरसाइज जून में छुट्टियां होती हैं तो मे की यकम को एक महीना पहले अब ये आपने विजिलेंट रहना है कि आप ये अपने प्रिंसिपल से लिखवा के भिजवाएं ताकि आपके ये दो तीन महीने का जो कन्वेंस अलाउंस कम अज कम को पंद्रह हजार रुपया कट जाता है ये खत्म हो चुके आप पैसे तो लगा रहे हैं तो फिर कन्विंस क्यों कटे आपका आप, आप रोज तो जा रहे हैं। जी जनाब सर मैं अल्ताफ़ कमर बोल रहा हूँ नजर नहीं आता नहीं कर सकता है तो उस दौरान की अर्ड लीव मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे एक दो क्वेश्चन और भी पहले जवाब देते जी जी इसका जवाब ये है किस चीज की मिलेंगी आपने कोई काम नहीं किया एक तरफ आप तनख्वाह तो ले रहे हैं जब हम अवेटिंग पोस्टिंग रहते हैं तो हम तो वहां जाते भी नहीं है घर बैठे रहते हैं जाके हाजिरी भी नहीं लगाते और वो पूरा डेढ़ साल की आपको तनख्वाह पे एडजस्ट हुई होगी आपकी किसी कॉलेज में आपको पूरी उसकी पेमेंट मिली होगी ठीक है पेमेंट एक जब आपको डिस्पेंसेशन गवर्नमेंट में दे दिया विदाउट वर्किंग तो फिर आप जब क्लेम करें अर्न लीव का भी तो अर्न लीव तो आपने तो काम ही नहीं किया तो ये तो वैसे ही हो गया ना जैसे आप गर्मियों की छुट्टियाँ

अब पे वो 365 दिन जा सकता है तो बाकी वो जब तीन सौ पैंसठ दिन बचाते छुट्टियाँ दिन 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 उसको मिल सकती है एल पी आर पे वो वो अगर उस आखिरी साल से पहले पहले वो बंदा एंजॉय करना चाहता है तो वो कर ले लेकिन अगर वो आखिरी साल में प्रोफेसर चला जाएगा तो फिर सिर्फ तीन दिन की छुट्टियां मिलेंगी उसके या पैसे मिलेंगे भी नहीं ये भी में रखें। कोई छुट्टी नहीं मिलेगी जो छुट्टी करेंगे उसके पैसे कट जाएंगे अच्छा एक तो उसने पीएचडी के लिए चार साल छुट्टी ले ली अब उसका पोस्ट डॉक आ गया तो छुट्टी कोई छुट्टी नहीं होगी नहीं पोस्ट डॉक सर देखें हम जब रिवाइज लीव रूल्स देखते हैं तो हमारी छुट्टियों को गवर्न करते हैं रिवाइज लीव रूल 1981 इसमें पोस्ट छुट्टियों का कोई जिक्र नहीं है थैंक यू तो सर 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 तो तो दो जी दोस्त साइमल्टेनियसली बोल रहे हैं तो दोनों की आवाज मर्जिंग Into each other तो that's why I'm not getting the the spirit of the question। Please। अच्छा तो तो किलोमीटर का सर कि किलोमीटर का वाया जो है नहीं वो जू रिस्ट्रिक्शन की बात है कम से कम ट्वेंटी किलोमीटर का जिक्र है टी ए के अंदर ट्वेंटी किलोमीटर या फिर आप जू रिस्ट्रिक्शन यानी उस जू से निकल जाए उस डिस्ट्रिक्ट से निकल जाएं, उस तहसील से निकल जाए जिसमें आपका हेड क्वार्टर है अच्छा दूसरा सर जब फर्ज ये गर्मी की छुट्टियां आती हैं तीन माह की में आप विजिट करना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं लंदन जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सर सूर्त्याल है नहीं उसके लिए तो देखें ना आपको अप्लाई करना पड़ेगा और वो सिर्फ आपको एनओसी लेना पड़ेगा उसमें छुट्टी की जरूरत नहीं है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां तो ऑलरेडी छुट्टियां होती हैं ना तो सिर्फ आपको गवर्नमेंट से एनओसी लेना पड़ेगा टू तो विजिट अब्रॉड और वो लिख देते हैं एनओ सी इज ग्रांटेड ड्यूरिंग दी समर वेकेशन ठीक है जब वो समर वेकेशन का लफ्ज छोड़ देते हैं लिख देते हैं तो फिर वो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं हाँ जैसे मैंने बताया कि आप सैंडविच करना चाहते हैं गर्मियों की छुट्टियों से पंद्रह दिन पहले और गर्मियों की छुट्टियों के एक महीना बाद आप करना चाहते हैं तो वो दो छुट्टियां आपको सैंडविच करानी पड़ेंगी साथ उनके लिए अलहदा से आपको मैंशन करना पड़ेगा कि इस डेट से इस डेट तक मेरी अर्न लीव है उसके बाद मेरी समर वेकेशन है इस डेट से इस डेट तक फिर आफ्टर समर वेकेशन मेरी छुट्टियाँ हैं तो वो अलहदा से आपको अपनी अर्न लीव में से लेनी पड़ेंगी अच्छा सर माशाल्लाह सर, सर ये आपका जो लेक्चर के दौरान जो जब भी सर, जब भी सर लेक्चर आपका अटेंड के दौरान तो सर जी आप जी जी प्रोफेसर सर, जी प्रोफेसर सस्पेंशन के सस्पेंशन के दौरान जो है ना सर्वेंट को सिविल सर्वेंट को पे भी मिलती है जब वो सस्पेंडेड पीरियड में हो और जब उसके बाद फैसला होता है तो उसकी ईओएल क्यों लगा देते हैं देखिए वो ईओएल इसलिए लगानी होती है पी इसलिए लगानी होती है कि वो पीरियड जो है वरना ब्रेक हो जाती है उस पीरियड में और जब पीरियड में ब्रेक हो जाए तो उसकी फिर जनाब आपको फिनांस डिपार्टमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है क्योंकि ड्यूरिंग सस्पेंशन बंदे ने तनख्वा तुल काम नहीं किया होता ठीक है इसलिए उसका कोई उसको बेनिफिट नहीं मिलता हाँ अगर वो री इंस्टेट हो जाते हैं वो पीरियड चूंकि उसने काम नहीं किया था उसके पीरियड को रेगुलराइज करने के लिए वो ई कर देते हैं ताकि पीरियड में ब्रेक ना आए साथ प्रोफेसर नजर इस्लामिया कॉलेज इकबाल टाउन से बोल रहा हूँ आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का जिक्र किया कि जी प्रोफेसर एक और प्रोफेसर बात कर रहे थे जी नजर इस्लामिया कॉमर्स कॉलेज इकबाल टाउन से जी।

प्रोफेसर मतलब दो साल या तीन साल जैसे भी अवेल कर लेते हैं ये माइक ऑफ कर काइंडली किसी का माइक ऑन है ये अवेल कर लें तो ये सिर्फ दस साल के अंदर ही है अगले दस साल स्टार्ट हो जाएंगे तो वो अगले दस साल की ये है. ये जितने दस साल का पीरियड चलेगा अगर 10 साल की सर्विस है पाँच जमा तीन अगर 10 साल से कम सर्विस है तो जनाब आपकी दो जमा तीन ये छुट्टी हर 10 साल में आपके लिए अवेलेबल है ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होती हर 10 साल की अपनी अलहदा अलहदा होती है ऐसे नहीं होता कि अगले पहले 10 साल में आपने दो साल की छुट्टी कर ली तीन साल की बच गई और ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी ये आगे नहीं जानी ये खत्म हो जाएगी जी कोई और ऑनरेबल कॉलीग सलामकुम सर मैं मोहम्मद तारिक बात कर रहा हूँ एमओ कॉलेज से सर अच्छा सर मेरे दो सवाल हैं एक सवाल तो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट के, के रूल्स में पेंशन के लिए कम से कम सर्विस कितनी दरकार होती है आप एक तो ये आपने बताना है कि कम से कम सर्विस दूसरा अगर बटवे में आपने फरमाया कि बटवे में रिटायरमेंट के मौका पर सर्विस कम होने की बिना पर ही अर्न ली जो साल की ना हो तो उस सिलसिले में वो छुट्टियां कितनी कंसिडर हो सकती हैं यानी अगर कोई ए, ए, सर्विस थोड़ी है उसकी तो उसके हिसाब से कैसे वो साठ साल का हो जाता है तो फिर वो काइंडली बता दीजिएगा का जरा अच्छा देखिए एक तो प्रोफेसर जो आपने बात की पहले वाली के पेंशन के लिए सर्विस कितनी है ठीक है एक तो देखें खुदा ना काम करता है और उसकी डेथ हो जाती है और उसके दस साल क्रेडिट पे हैं तो उस बंदे की पेंशन उसको मिलेगी दूसरा नंबर अगर सर्विस 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस हो जाएगी तो भी उस बंदे को पेंशन मिलेगी तीसरी बात अगर बंदा कंपलसरीली रिटायर कर दिया जाता है पीडा के तहत तो अगर उसके क्रेडिट के ऊपर 20 साल की सर्विस होगी तो उसको भी पेंशन मिलेगी ये तो हो गया पेंशन की बात अब आ जाए आखिरी बात आखिरी आपने कही कि अगर उसके क्रेडिट पे तीन दिन नहीं है जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो अर्न लीव है ये बटवा लीव है आपकी पॉकेट में होती है अगर आपकी पॉकेट में फर्ज करें तीन डेज की बजाय सिर्फ तीन सौ दिन है तो माई डियर आपको सिर्फ 300 दिनों के पैसे मिलेंगे या 300 दिनों की ही लीव इन कैशमेंट मिलेगी आपके पास अगर 200 दिन है पहली लीव आप अवेल कर चुके हैं या आपकी सर्विस ही इतनी नहीं है कि जिसमें आपकी इतनी छुट्टी जमा ही नहीं हुई तो ये वाहिद वो छुट्टी है जो जितनी कमानी है उतनी है आपके पास होनी है और कमानी कैसे है आपकी सर्विस पे और सर्विस का ताल्लुक किसके साथ है आपकी लेंथ के साथ लेंथ ऑफ सर्विस के साथ आपकी ड्यूटी के साथ आपकी अगर वो ड्यूटी उतनी नहीं होगी तो आप जितनी अपने बटवे में छुट्टी लेके आखिरी साल में जाएंगे आपको उसी के पैसे मिलेंगे ना कम मिलेंगे ना ज्यादा मिलेंगे हाँ उसका एक नुकसान जरूर है कि वहां पे जाके उस आखिरी महीने में आप चाहे आपकी तीन सौ पैंसठ के बजाय चार सौ Leave आपके खाते में पड़ी है तीन सौ पैंसठ के पैसे मिल जाएंगे और फिर आप कहें कि मैं 365 के पैसे भी ले लूं, मैं लूं और मैं अर्न लीव ले लूं इस महीने में दस पंद्रह दिन की तो वो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी उसके पैसे कटेंगे आखिरी साल में जितनी छुट्टियां लेंगे उसके पैसे कटेंगे अर्न लीव जितनी लेंगे उसके पैसे कटेंगे अगर तीन से ज्यादा आपके बटवे में पड़ी हुई है तो वो जाया हो जाएगी इसलिए अकलमंदी यही है कि ड्यूरिंग सर्विस आप अपने किसी इंपॉर्टेंट मामला के लिए उन छुट्टियों को इस्तेमाल कर लें लेकिन आखिरी साल में तीन सौ पैंसठ इज द लिमिट इससे ज्यादा नहीं हो सकती कम हो तो जितने दिन कम होंगे उसके पैसे कटेंगे एक और बात थी डॉक्टर साहब एक, एक मिनट एक मेरा एक सवाल ये था कि इस हिसाब से पेंशन के लिए ये काइंडली मैंने पूछना था कि मैं मेरी डायरेक्ट सर्विस हुई थी तो मेरी ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी कितने कितनी साल सर्विस हुई थी प्रोफेसर मेरी डॉक्टर साहब जब मैं इधर आया था तो मेरी डायरेक्ट सिलेक्शन हुई थी तो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी सर्विस जो है ना वो काउंट नहीं की गई थी मैं डीपीएस में था ओके। okay. तो अब उस हिसाब से मेरी जो बन रही है वो तो अठारह उन्नीस साल के करीब बनेगी सिक्सटी इयर्स तक जी जी तो उस हिसाब से तो बस प्रोफेसर अब ये समझ लें एंड पे जाके जो पेंशन कैलकुलेट होती है ना ठीक है जी जी। पेंशन कैलकुलेट होती है जनाब आपके जितनी उम्र है वो मैक्सिमम तीस साल सॉरी सर्विस जो है वो मैक्सिमम तीस साल होती है तीस साल से कम भी हो तो तीस साल से कम हो तो उसको कंसिडर कर लेंगे तीस साल हो तो ओके okay, बत्तीस साल भी सर्विस हो तो तीस साल ही काउंट होनी है तो वहाँ पे जाके नोट किया जाता है कि आपकी टोटल सर्विस आपकी बेसिक पे मल्टीप्लाइड बाय सेवन डिवाइडेड बाय हंड्रेड ये वो आ, पेंशन को कैलकुलेट करने का फार्मूला है तो प्रोफेसर साहब आपके क्रेडिट पे जितनी सर्विस होगी उसको जर्व कर लिया जाएगा आपकी बेसिक पे के साथ फिर जनाब उसको सेवन के साथ फिर डिवाइड कर देंगे तीन सौ के साथ जितनी ग्रॉस आपकी पेंशन बनेगी फिर उसके मतलब दो हिस्से बनेंगे एक हिस्सा होता है जिसको हम पैंसठ परसेंट कहते हैं वो ग्रॉस पेंशन होगी दूसरी होती है पैंतीस परसेंट जो कि कम, वो कम्यूटेड अमाउंट होती है ग्रेजुएटी होती है जो लमसम इकट्ठे पैसे मिलते हैं वो कहते हैं ना वो बंदा रिटायर हुआ तो इकट्ठे अन्य पैसे मिले वो पैंतीस वो हिस्सा होता है यानी आपके जितने साल की सर्विस होगी उन टोटल सालों के ऊपर बेसिक पे के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन 300 के साथ करने के बाद जितने टोटल पैसे निकलेंगे उसका पैंसठ परसेंट जो होगा वो आपकी हर महीने की पेंशन होगी उसी का 35 परसेंट जो होगा वो आपको लमसम टोटल पैसे मिल जाएंगे इसलिए जितनी सर्विस आपके क्रेडिट पे होगी उतने ही जनाब आपको पैसे मिलेंगे उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे तो माय डियर कोलीग्स थैंक यू वेरी मच योर नेक्स्ट सेशन इज अबाउट एंड इंफॉर्मेशन माइट बाय यू दैट इज गोइंग सर्विस मैटर थैंक यू